नमस्कार बच्चों, आज करंट अफेयर कवर की जाएगी। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ करंट अफेयर कवर की जाएगी। जो घटनासार बहुत अच्छी बुक है ये भी, जो है पिछले 6 महीने की करंट अफेयर इसमें कवर होगी, मतलब जनवरी से जून तक करंट अफेयर कवर हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम लोग जो समरी पोर्शन दिया होता उसको देखेंगे, विधवा देखेंगे। आप जो है कॉपी में इसे शॉर्टकट में घोचू राइटिंग में लिख सकते हो, याद रहे दिमाग में से। अभी आपको इतना टाइम नहीं होगा बहुत चीज राइटिंग बना के लिए, लेकिन आप जो है याद करने के लिए पर्सपेक्टिव को डाटा वाटा उसको पेंसिल चला के इसमें दिमाग में क्या रहे बना रहे। क्लियर? तो स्टार्ट किया जाए बच्चों, एक बड़े इरादा से हम लोग आज उतरे हैं। पहले नंबर पे हम पूरी जो है अत्यंत सार संग्रह जो अर्धवार्षिकी है पूरी क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों बन जाते हैं। पता नहीं कौन सी लाइन आपके एग्जाम पेपर में छपी हो, तो आप बहुत कायदे से पढ़िएगा। क्लियर? स्टार्ट किया जाता है। देखो जो हाँ, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता, हाँ, किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? लद्दाख को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इतना पता चलना चाहिए। पूर्ण साक्षरता वाली प्रशासनिक इकाई, वो भी यूटीसी फॉर्म में, कौन है? लद्दाख। ठीक है, जो अगला पॉइंट, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। भूमिगत कोयला आपका गैसीकरण के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? डायरेक्ट वहां पे आप टिक मार दोगे किसको? झारखंड को। पूछ लिया गया जिला कौन सा है, तो जामताड़ा जिला है। पूछ लिया गया कोयला का ब्लॉक कौन सा है, कस्ता कोयला ब्लॉक। कौन सा है? कस्ता कोयला ब्लॉक। क्लियर? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। भूमिगत कोयला गैसीकरण का पायलट परियोजना का शुभारंभ हुआ है, डायरेक्ट टिक आएगा झारखंड वाली। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वें अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? याद रखिएगा, नई दिल्ली। देखिएगा, भारत में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली। वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, टिक मार देगा नई दिल्ली। फिर आइएगा, भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया। फिर आइए, जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यूनेस्को द्वारा भारत के पहले ऐसा कौन सा शहर रहा जिसे साहित्यिक शहर के रूप में घोषित किया गया है? कोझिकोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा पहला साहित्यिक शहर यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया? कोझिकोड। कहां है? केरल में। क्लियर? चाहिए, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसने की है? झारखंड। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, याद कीजिए लाडली बहना वाला क्वेश्चन आपके पुलिस में आया था, तो ऐसी योजनाएं जो है बहुत अच्छे से तैयार रखिए। क्लियर? फिर आ जाइए, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रत्येक जिले में शुरू करने वाला राज्य कौन बनाया है? एमपी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 24 जून 2024। आपसे लोकसभा से क्वेश्चन, विधानसभा में जो चुनाव इधर हुए थे लोकसभा के साथ, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, और आपका सिक्किम में, और इधर से कौन था, अरुणाचल प्रदेश, इनमें चुनाव हुए थे, उससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना, याद रखिएगा, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, यार के ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल 3, बस इंदिरा गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखेगा। अगला शब्द, उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, बच्चे याद रखेगा भर्तृहरि मेहता। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जानते होंगे राष्ट्रपति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा में सब चुन चुन के अपने क्षेत्रों से सांसद के रूप में सदस्य पहुंचते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और वो अपना इस्तीफा भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। और प्रोटेम स्पीकर के बाद जो है किसका चयन या निर्वाचन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर, याद रखिएगा। अगला, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? पूछना जाएगा, अभी हाल ही में भारत में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिली है? श्रीनगर। किसको मिली है? श्रीनगर। फिर आए तो 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया मिशन। यार के राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया मिशन की शुरुआत हुई 2024 में, और इस समय स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्तर पर कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। आप जो है ये मंत्री जितने भी हैं उनको भी एक बार देख लोगे कौन सा मंत्री कहीं पूछ ले विभाग संबंधित क्या है, क्वेश्चन इस पे आ चुका है प्रीवियस ईयर में। फिर आइए, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? जो है वन्य जीव विशेषज्ञ द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन का जो है कह सकते हो उपस्थित का दस्तावेजीकरण किया गया है, प्रमाणिकता दी गई है, तो कौन है? आप कह रहे हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए, बहुत क्या प्रसिद्ध है। जून 2024 से जारी दुनिया के 180 देशों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यह सूचकांक याद रखोगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को स्थान कितना मिला है? 176। याद रखिएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176। फिर याद रखिए, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि अपने कर्मचारियों को सड़क बीमा, जो सड़क में मृत्यु होने पर 1 करोड़ का बीमा के रूप में मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। ऐसे वहां आप सुनाएगा कर्नाटक बनाएगा। देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? सीहोर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, डायरेक्ट इस तरीके क्वेश्चन उठा देगा कि भारत की किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी इथेन गैस क्रैकर परियोजना को शुभारंभ किया है, तो वहां किसको लगाओगे? कौन? गेल है। कौन कंपनी है? गेल है। कहां किया है? सीहोर मध्य प्रदेश में। दोनों बातें पूछ सकते हैं, वहां एनटीपीसी देगा, रिलायंस दे देगा, ONGC दे देगा, गेल दे देगा, किसको टिक मारोगे? गेल। क्लियर। फिर आइए, जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 भारत की कौन सी रैंकिंग है? 63वीं है। याद रखेगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। क्लियर, आई कौन सी रैंक मिली आपको? 63वीं। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? याद रखिएगा मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहां किया? कोचीकोड केरल में। कोचीकोड केरल में। आपको मैं याद बिल्कुल करा के मानूंगा हर एक चीज, अभी बाद में पूछूंगा भी सबसे, ठीक है? एक चीज याद ठीक है, जो आए वर्ड लिख लिया दिमाग में बनाने, कोचीकोड ऐसे घोच लो दिमाग में, कोचीकोड क्या है? भारत का पहला साहित्यिक शहर है, और मालाबार नदी महोत्सव भी यहीं पे हो रहा है। क्लियर। और मालाबार में एक मोपला विद्रोह हुआ था 1920 में। कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला। कई बार आता है 1920-21 में मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मालाबार क्षेत्र केरल में। क्लियर। फिर जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? बच्चों नए परिसर का कहां? राजगीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कहां हुआ है? राजगीर। याद रखिए राजगीर पूछा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी बच्चों? हिस्टोरिकल थोड़ा बताइए, कुमार गुप्त ने, याद रखिएगा। फिर इसका पुनरुद्धार किसने कराया था? धर्मपाल ने। और इसको बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? इसको नष्ट कर दिया था। याद रखिएगा सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? फिर आइए, बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी का। क्लियर। फिर आइए, जून 2024 को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन देगा श्रीनगर, मैसूर, लखनऊ, बेंगलोर, बंगलुरु, कहीं भी दे देगा तो किसको टिक मार देगा? श्रीनगर। फिर आइए, जून 2000 कहेगा कौन सा नंबर है ये भी देख लेना,
कहेगा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन श्रीनगर में किया गया, कौन से क्रम का ये योग महोत्सव था, इसे भी घुमा दे सकता है स्टेटिक में, तो कौन सा है, दसवां। फिर आइए जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए, याद रखिएगा कौन से अनुसंधान के लिए, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में इस भारतीय संस्थान को नामित किया है। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया, सिंपल है, याद रखिएगा WHO सहयोग केंद्र के रूप में कौन सी भारतीय संस्थान नामित हुई है, बस WHO सहयोग के रूप में कौन संस्था नामित हुई है, याद रखिएगा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, राष्ट्रीय भारतीय विरासत चिकित्सा विरासत संस्थान, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद, और ये कहाँ स्थित है, तेलंगाना की क्या है ये राजधानी, क्लियर। फिर आइए WHO के सहयोग केंद्र के रूप में, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, WHO के सहयोग केंद्र के रूप में कौन सी भारतीय संस्था WHO द्वारा नामित की गई है, तो वहां लगा देना होगा हैदराबाद स्थित, जो ऑप्शन दिया है कहाँ है, तो हैदराबाद, वरना कौन, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। आइएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया है, याद रखिएगा मौसम संबंधित जानकारी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कौन से 2 ऐप जारी किए गए, याद रखें दामिनी और मेघदूत, क्वेश्चन आएगा दामिनी क्या है, वहां से दे देगा, फिर चार्जी देगा तो आप बता दोगे, मौसम विज्ञान जानकारी देने संबंधित क्या है, ऐप है, वहां लिखा होगा किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो आप लगा दोगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, ये भी याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इस तरह घुमा दे क्वेश्चन, मेघदूत और कौन है दामिनी। फिर आइए अगला, बहुत चर्चा में रहा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा जो भुज में आए लोग थे उनके स्मृति में जो ये संग्रहालय बनाया गया था, इसको जो है विश्व के 7 संग्रहालय टॉप चुने जाते हैं उनमें इसका नाम तीसरे स्थान पर रहा है, तो इसलिए याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, स्मृति वन भूकंप स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स संग्रहालय पुरस्कार में किस भारतीय संग्रहालय को चुना गया है, तो स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ है, गुजरात, क्लियर, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सल्स सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वस्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां 2024 भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, चिनाब ब्रिज, कौन सा ब्रिज है, ठीक है, सबसे ऊंचा जो है स्टील आर्च रेल ब्रिज बना है, कौन है, चिनाब ब्रिज, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में, किसमें, रियासी जिले। फिर आइए जून 2024 में कौन सी ग्रीन डे के बटर बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, पीवी सिंधु, बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर, बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहां की गई है, यही प्रजातियों में क्वेश्चन बन जाता है, नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज हुई और चार देगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, तो टिक कर दिए कहां, अरुणाचल प्रदेश। फिर हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, एस्ट्रो टूरिज्म पहल, वही नक्षत्र संबंधित जो है नक्षत्रशाला संबंधित टूरिज्म पहल का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है, उत्तराखंड ने। फिर आइए ज्योतिष वगैरह संबंधित भी एस्ट्रो कह सकते हैं। हाँ, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला जाएगा, ठीक है, जून 2024 में खोला गया रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में क्या किया गया है, खोला गया है, त्वचा बैंक, कौन सा बैंक है, त्वचा बैंक, थोड़ा सा वो हल्का सा कम कर दीजिएगा, वो आ जाएगी हल्के से, हल्का सा कम कर दीजिए, बस नहीं भैया थोड़ा सा कम करने पा रहे, हाँ हो गया कम, ठीक क्लियर। हाँ फिर आइए चलिए अगला देखते हैं हम लोग जून दो, अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा अत्याधुनिक त्वचा बैंक कहाँ खोला गया है, नई दिल्ली में, कौन सा नाम से, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, ठीक है। फिर आइए जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया, याद रखिएगा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ कौन राज्य कर रहा है, मध्य प्रदेश।
वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। निजुत मोइना योजना की शुरुआत किसने की है? ठीक है, याद रखेगा, असम। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर रख दिया गया है ज्योतिर्मठ, याद रखेगा ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत की किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? मतलब नासा के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है कौन सा? IIT मद्रास। याद रखे, क्वेश्चन बन सकते हैं, नासा के साथ मल्टी ड्रग पर शोध कर रहा है भारत का कौन सा IIT? मद्रास। फिर आइए, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनामिका राजीव। ये सब क्वेश्चन आते हैं वहां दिमाग में नहीं आता, कौन सा टिक मार दे, पढ़े नहीं होंगे तो। ठीक है, फिर आइए अगला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है 129वीं। उधर साइड में कितनी प्रदान की गई भारत की रैंक? अभी पढ़े थे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176, और ग्लोबल जेंडर गैप वाले में कितनी प्रदान है? 129वीं। जून 2024 में भारत के किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? ठीक है, भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का सबसे सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्लियर, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए, ग्रीन हाउस गैस में भारत दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, वह गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। क्लियर, पहला स्थान किसका है? देखिए, वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन कितना? 16% उत्सर्जन करता है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। मतलब जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की किस निजी कंपनी को जो मान्यता मिल गई है? जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म। अगला, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? जो कूनो से के अलावा अन्य कहाँ रखेंगे? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन आता है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? टिक मार दोगे MP। किसमें स्थित है? अब कूनो से चीते कहाँ ट्रांसफर किए जा रहे हैं? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। क्लियर, फिर आइए, जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 132। कितनी है? 132, हाँ 172। ठीक है, कितनी है? 172। कितनी है? 172। क्लियर, याद रखेगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया है? याद रखेगा, क्वेश्चन आ सकता है, भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमियां 82 हो गई। कितनी हो गई है? वेटलैंड्स जो है रामसर साइट में 82 हो गए, 82वें जो कौन है? नकटी, 81वें और 82वें नकटी, और कौन है? नागी है, याद रखेगा। क्लियर, ठीक, तो मतलब लास्ट के दो जो जुड़े हैं 82 तक आने में, तो जुड़े कौन है? नकटी और नागी। ठीक है, याद रखेगा। अगला, उत्तर प्रदेश कितने रामसर साइट में शामिल है? 10। ठीक है, वो भी मैं बार बार डिस्कस करूंगा, अभी आएगा उत्तर प्रदेश कहीं। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित कर दिया गया है? क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में अमरावती एक राष्ट्रीय राज्य की राजधानी के तौर पर घोषित हुई, किस राज्य की? तो आंध्र प्रदेश। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश निधि शुरू की है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की है या व्यवस्था की है? सिक्किम राज्य, याद रखेगा। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने, कौन सी कोर है? त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना की एक है कौन? त्रिशक्ति कोर, उसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और क्या है? रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है, कहां पर? पूर्वी सिक्किम चांगगु, पूर्वी सिक्किम, याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सिंपल है, कहते भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर है, उसने कहां पर अपशिष्ट प्रबंधन एवं रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? चंगांगु, और कहां पे है? पूर्वी सिक्किम, बस ठीक, लगा दीजिए बात खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जून 2024 में तीसरी बार गठित NDA की सरकार में कुल कितनी महिलाएं मंत्रियां शपथ ग्रहण की है?
चलिए ठीक है। जो अगला ये सात महिलाएं, क्लियर, जो यहां से बाधित हो जाएगा। फिर आइए अगला, चलिए कोई बात नहीं। हाँ फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए, हाँ तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाएं थी? 7 महिलाएं। याद रखिएगा लोकसभा जो संसद इस बार बनी है कितनी महिलाएं बनी है? 74। और ये यूपी की विधानसभा 2022 में चुनाव हुआ था उसमें कितनी महिलाएं थी? 47। याद रखें महिलाओं की संख्या डायरेक्ट। और जो संविधान सभा की पहले जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। याद रखोगे 3 संख्या नंबर वाली महिलाओं की, संविधान सभा बनी 15, लोकसभा चली थी उसमें कितनी निर्वाचित हुई थी? 74। जब यूपी की 2022 में विधानसभा गठित हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उसमें महिलाएं मंत्री कितनी उसमें निर्वाचित हुई थी? 47। और अभी चुनाव हुआ उसमें कितनी है? लोकसभा चुनाव महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई? 74। उसमें मंत्री कितनी महिलाएं बनी है? 7 बनी है। क्लियर, लाइट आ गई, चला सकते हो, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? कौन है? मोहन मांझी। बच्चों कौन है? मोहन मांझी। फिर मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है? याद रखेगा टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। फिर आइए जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम, यार के वर्ल्ड साइबर क्राइम में भारत को रैंक मिली है कौन सी? साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक है, यार क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, कौन सी रैंक है? 10वीं। क्लियर, अगला मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मल्लपुरा ड्रॉपिंग जोन में, कौन सा? मल्लपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है? भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसका फुल फॉर्म देखिएगा आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी बहुत आता है। बैटल फील्ड भीष्म होता है, बैटल हो गया और फिर क्या है? फील्ड। और आपका कौन है? हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। फिर एक बार देखिए बैटल फील्ड तो एक बात हो गई, ठीक है। फिर एच फॉर हेल्थ, आई फॉर इंफॉर्मेशन, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन। फिर आइए सिस्टम, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर किसके लिए? बैटल फील्ड, फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भीष्म। याद रखिए क्वेश्चन आएगा भीष्म पोर्टेबल जो अस्पताल के रूप में उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। इसके द्वारा भारतीय वायुसेना द्वारा मल्लपुरा ड्रॉपिंग जोन में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड यूनेस्को की सूची में शामिल होने कौन है? रामचरित मानस। याद रखेगा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पांडुलिपि को। फिर आइए यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस जो है किसे शामिल किया गया है? रामचरित मानस। इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। क्लियर। फिर आइए 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पांडी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट, बस ऑल वी इमेजिन इज लाइट। क्लियर, ऑल वी इमेजिन इज लाइट पायल कपाड़िया की है। तो इसमें आ सकता है कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है कौन सी भारतीय फिल्म को पाम डी और कैटेगरी में पुरस्कार मिला है? तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट। क्लियर। फिर भारतीय आईटी कंपनी, अब देखो ऐसे याद रहेगा कुछ जो इमेजिंग इज लाइट कुछ करके थी और पाम डी और कोई पुरस्कार की बात हो रही तो लगा दो। क्लियर। फिर आइए वह भारतीय आईटी कंपनी जो 13 मई 2024 फ्रांस के पेरिस में, कहां पर? फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना, ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर कौन है? ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है? किसने की है? टीसीएस ने। यार क्या ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? फ्रांस में की गई है। फ्रांस से कहाँ पर? पेरिस में की गई। किस भारतीय कंपनी ने की है? ये बड़ी बात है। टीसीएस ने। किसने की है? टीसीएस, ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर।
11 मई 2024 किस पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? याद रखेगा पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी, ये पूछा सकता है, पुलिस से जुड़ा हुआ है। इदा सिसा नोंग रोंग नोंग राम, इदा सिसा याद रखा होगा, इदा सिसा, इदा सिसा पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है, इदा सिसा नोंग रोंग। फिर आइए वर्ष 2024 के लिए डेट लाइफ पत्रिका की ग्लोबल डिजास्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है दीपिका पादुकोण। याद रख सकते हैं ग्लोबल डिजास्टर सूची में, मतलब ग्लोबल डिजास्टर सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम है? दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले किस बार ये कहता है कौन सूचकांक है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, भारत का स्थान भैया दूर याद कर लेगा, ठीक है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक जो कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? फिर आइए केरल स्थित, आप मुझे बताइएगा जो मैंने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नाम भारत कौन सा रैंक है? ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? 129। और ये कौन आया है? WEF का है, यात्रा और पर्यटन, यात्रा और विकास सूचकांक जो है इसमें कौन सा स्थान है? ठीक है 39, ठीक है। फिर आइए केरल स्थित वह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल, बहुत याद रखेगा क्वेश्चन आ सकता है, शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, जो पहला वाला करके आता है वो ज्यादा पूछा आता है, जैसे आपने पहला सैनिक स्कूल भारत उत्तर प्रदेश में कौन रहा है? मथुरा, पहली चीज ज्यादा पूछा थी। तो शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तिरुवनंतपुरम। और एक ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम के तहत पहला कौन सा बना था इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी। और ये क्या है? शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल वाला पहला कौन बना है? तिरुवनंतपुरम। याद रखेगा जो कंफ्यूजन होगा, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। याद करें क्वेश्चन आएगा, सबसे उम्रदराज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है कौन? ज्योति रात्रे। मैंने कहा था नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है मानिका राजीव, सब नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आइए दूरदर्शन चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर, डीडी किसान जो है अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? देखो दूरदर्शन चैनल का एक डीडी किसान है, उसने जो है पहला एआई एंकर प्रस्तुत किया है, उसका नाम याद रखें क्रस और बहुत इंपॉर्टेंट क्रस और मतलब डीडी किसान ने अपना पहला एआई एंकर जारी किया, वो कौन नाम से? क्रस और। अभी दो ऐप मैंने बताए थे मौसम संबंधी जानकारी के लिए, कौन थे? दामिनी और मैं। किस मंत्रालय का जारी किया था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आइए अगला, मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस द्वारा दिया गया? क्वेश्चन आ जाएगा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कौन से तूफान ने तबाही मचाई है? तो रेमल, याद रखे कौन सा तूफान का नाम है? रेमल। इसका नामकरण किसने किया है? याद रखिएगा। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य बन गया है, और कितने GI टैग के साथ? 75 GI टैग प्राप्त करने वाला, ठीक है, देश का पहला शीर्ष राज्य बना उत्तर प्रदेश। भारत के पहले बहुदेशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुदेशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ पूछा जाए कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में, सीधे सीधे आएगा ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ निम्नलिखित में हुआ है, वहां लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ठीक मार दो सीधे कहा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। फिर आइए अब ये टॉप 50-20 नहीं, जितना मेन हुआ है, जो जो घटनाएं हुई है वो सब कर लीजिए दिमाग में एक बार करें। फिर आइए इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में बहुत सेटेलाइट छोड़ जाएगा, मलबा बहुत ज्यादा हो जाता है, अपना वहीं पे सेटेलाइट घुमा करते हैं, वहीं सब उनका जो रॉ मटेरियल सब वहीं पे रह जाता है, तो ये अंतरिक्ष मुक्त जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा भारत 2030 तक, ठीक है। फिर याद रखिएगा पूछना सकता है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो भारत कब तक प्राप्त कर लेगा, मिशन पूरा कर लेगा 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लाइन लंदन वाइन फेयर में
55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्प्रिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? ठीक है, तो सकते हो लंदन वाइन फेयर में मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्प्रिट्स मास्टर प्रतियोगिता, ग्लोबल स्प्रिट्स मास्टर प्रतियोगिता में मेघालय के किस उत्पाद ने लंदन वाइन फेयर में जीता है? तो वह चेरापुंजी ईस्टर्न क्राफ्ट, याद कर सकते हो। क्वाक्वे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, ये देखिएगा बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली, याद रखिएगा विद्यार्थियों को जो है कह सकते हो किफायती शहर विद्यार्थियों के लिए कौन है? नई दिल्ली। फिर आइए अगला, भारत की वागणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी, सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, अरे सैटेलाइट वाला इंश्योरेंस किसने शुरू किया है? टाटा AIG। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दिया है? सेला सुरंग। तो क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन है या किसे मान्यता हाल ही में प्राप्त हुई है, तो वहां पर लगा देगा सेला सुरंग। ठीक है, फिर आइए डी, देखिएगा 13,000 फीट की ऊंचाई है सेला सुरंग है कहाँ, ये भी पूछा जाता है हिमाचल। DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना ने, वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? याद रखेगा हवा से सतह में मार करने वाली किस मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है, उसका नाम है रुद्रम सेकंड। ये सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे आएगा, वायुसेना के सुखोई 30 द्वारा हाल ही में हवा से सतह में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है? वहां रुद्रम फर्स्ट, अग्नि 2, अग्नि 3, पृथ्वी 1, रुद्रम सेकंड। इसको टिक मार दोगे रुद्रम सेकंड। फिर आइए, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोसे पर चढ़ाई करने में पर्वतारोही बने हैं, संदीप गुप्ता हैं, क्या है जिन्होंने भावा पर्वतारोही जिन्होंने 2024 में एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोसे पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने कौन है? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्र वो एक रखेगा सबसे उम्र दराज जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है। फिर आइए, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टॉर्टीग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। याद रखेगा कौन है? पहली बात, कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टॉर्टीग्रेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3, समुद्री टॉर्टीग्रेड का नाम चंद्रयान 3 की स्मृति में रखा गया है, वो उसका नाम क्या रखेगा? बैटेलिप्स चंद्रायन। आईटी कंपनी इंफोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001:2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन आपका, आईटी कंपनी इंफोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001:2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में शोधकर्ताओं की टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्ष के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उनियाला मल्टी बैट्रीटा, उनियाला याद रखना। क्वेश्चन आएगा, हाल ही में उनियाला 140 वर्षों बाद एक वृक्ष की खोज की गई है, कहां पर खोज की गई? वहां लिखा होगा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, कहां लगा हुआ है? पश्चिमी घाट। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया है। याद रखिएगा टेस्ला, देखिए कौन सा नाम है इसका, TASL। देखना टाटा की एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो मतलब टाटा के द्वारा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के स्पेस एक्स रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया है, उसका नाम क्या है? TSAT-1A। याद रखे क्वेश्चन आ जाए, TSAT-1A जिसको हाल ही में फ्लोरिडा में प्रक्षेपण किया गया है किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? टाटा। याद रखेगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, याद रखेगा। अगला, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर
व्यक्ति एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, गुटखा पान मसाला प्रतिबंध लगाने का कौन राज्य हुआ है? तेलंगाना। फिर आइए, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की तीन ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन है? रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, सहृदय लोक लोचन है। तो तीन है, पंचतंत्र है, रामचरितमानस है, सहृदय लोक लोचन है। याद रखिएगा सहृदय लोक लोचन। ये पूछा लगता है कि यूनेस्को की कौन सी जो वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में किन्हें शामिल किया गया पांडुलिपियों को? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D डायमेंशन प्रिंटेड इंजन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया है? अग्निबाण क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। कौन है? अग्निबाण। याद रखेगा। और किसके द्वारा है? IIT मद्रास। याद रखेगा। फिर आइए, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। याद रखिएगा, कृत्रिम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। फिर अप्रैल 2024 में किस IIT कंपनी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट किया गया है किस IIT के इस प्रकार के उपकरण को? IIT पटना। एक आया था IIT मद्रास, जो नासा के साथ जो है प्रतिरोधी रोग जनकों के शोध के लिए कार्य कर रही थी। फिर अभी एक आया था IIT, ये पटना आया है, ये क्या है? कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए। एक अभी ऊपर एक और IIT आया है, कौन है? IIT मद्रास से ही कौन? अग्निबाण। ये क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। क्लियर। आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? असम के कामरूप के मारामेटा। याद रखिएगा, भारतीय प्रबंधन संस्थान हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित किया जाएगा? कहां खोला जा रहा है? असम। बस याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी समझौता किया है? याद रखिएगा, विप्रो। पूछा जाता है, अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? IIT बॉम्बे। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? IIT बॉम्बे। ठीक है, तो जो है कैंसर रोगियों के लिए जो जीन थेरेपी के लिए कहां पर जो है CAR-T सेल थेरेपी बनाई जा रही है? IIT बॉम्बे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2024 को नई दिल्ली में आयोजित कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? अदिति। याद रखेगा, दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 क्वेश्चन ही आया, डिफ कनेक्ट 24 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? डिफ का मतलब डिफेंस, डिफेंस कनेक्टेड 24 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। उसने जो है क्या किया जाए, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? अदिति। क्वेश्चन आ जाए, अदिति क्या है, तो आ सकता है उसमें एक लाइन ली हो, रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना। ये बात क्या है? सही। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। क्लियर। फिर आइए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के लिए आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। क्वेश्चन याद रखेगा, जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी? बोइंग स्टार लाइनर मिशन। फिर हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला जा रहा है? याद रखिएगा, आयुर्वेदिक कैफे कहां पहला खोला जा रहा है? नई दिल्ली। करेक्ट। 2024 में स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 भारत का कौन सा स्थान है? 159वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 100। ग्लोबल जेंडर गैप में कितना था? 129। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में कितना था? 176।
और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आपका यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक रहा है, और ये कौन है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है फ्रांस की, उसके द्वारा विश्व प्रेस सूचकांक जारी किया था, उसमें 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा 159। बार बार दिमाग में रखिए, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया जाए, परिवर्तन चिंतन, त्रिसेवा सम्मेलन, क्वेश्चन है त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 4 मार्च 2024 में कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है, जिंदल स्टेनलेस हिसार हरियाणा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है हरियाणा में किया गया है, क्लियर। फिर आइए महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, याद रखिएगा भौगोलिक संकेत किन्हें प्रदान किया गया, सितार और तानपुरा, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के दो जो है सितार और तानपुरा प्रोजेक्ट को क्या दिया गया है, भौगोलिक संकेत, ठीक है। तानपुरा में स्थित है, देखिए महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया, सितार नाम है तानपुरा, दो जो प्रोडक्ट है इनको क्या दिया गया, जीआई टैग मिला है, क्लियर। भारत ऐसा जाएगा सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है, वाटिक मार्ग से, कहां से, महाराष्ट्र से, बस पता होगा लगा दोगे। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेगा पूछना लगता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कब संसद में पारित किया गया था, 2019 लागू कब कर दिया गया, 2024 में, फुल फॉर्म आ जाता है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता के बारे में कौन सा भाग दिया है, भाग दो, कहां से कहां तक नागरिकता संबंधी आर्टिकल है, 5 से 11, क्लियर। फिर आइए नागरिकता की सूची का विषय है, संघ सूची का विषय, किस देश से ली गई नागरिकता भारत में, ब्रिटेन से ली गई, कैसी नागरिकता है, ठीक है, वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार का ऑपरेशन इंद्रावती, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती कहां से लाया गया, हैती, ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती हैती। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां स्थापित किया जाएगा, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा गुजरात, भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है कहां स्थापित किया जाएगा, गुजरात। महाराष्ट्र सरकार ने याद रखिएगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पहला कहां लगाया जाएगा, गुजरात। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया, याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाए हाल ही में अहिल्या नगर किस क्षेत्र का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो किसका नाम बदलकर कर दिया गया, अहमदनगर। भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन दो जहाजों को शामिल किया गया है, INS अग्रम और INS अक्षय, INS अग्रम और INS अक्षम दो जो है पनडुब्बी रोधी जो है क्या है आपके, पनडुब्बी रोधी तटवर्ती जहाज है, कौन है, INS अग्रम, INS अक्षय। फिर आइए 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया है, अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन पूछा लगता है कहां पे हुआ है, कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 2024 में कहते हैं SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की है, याद रखें हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बार पूछा तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 100। जेंडर रैंक में कितनी, जेंडर गैप में 129, खुशहाली में 126। फिर आइए प्रेस सूचकांक में 159, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक अभी आया नहीं है उसमें 63, क्लियर, और जो कह सकते हो पर्यटन और यात्रा विकास में 39, ठीक है, क्लियर 39। मार्च 2024 में सुप्रीम जो जितनी रैंक आएंगी मैं उससे पीछे वाली पूछूंगा जरूर, तभी तो मैं अगली वाली रैंक क्या रहेगी दिमाग में याद रहेगी, क्लियर। फिर आइए तभी तो कह रहा हूँ इसको दिमाग में भर लीजिए 126 हैप्पीनेस इंडेक्स, एक बार हंसो और 21, 26 याद रख लो कि मतलब हैप्पीनेस कितने पे आएगी, 126 पर आएगी तुम्हारी हैप्पीनेस, क्लियर। स्वतंत्रता कितने नंबर पर है, 159, और जो है यात्रा और पर्यटन विकास 39, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोब जो है जेंडर गैप, क्लियर, और कोई बचा हुआ हैप्पीनेस 126। आइए
मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष बन गया, याद रखिएगा कौन बना है, एएम खानविलकर, याद रखिएगा एएम खानविलकर, एएम खानविलकर क्या बने हैं, याद रखिएगा लोकपाल के नया अध्यक्ष कौन बन गए हैं, एएम खानविलकर, ठीक है, फिर आइए मार्क एएम खानविलकर, एएम खानविलकर क्या बने हैं, लोकपाल के नए अध्यक्ष, नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, फिर आइए मार्च 2024 में जारी, जैसे एक होता है केंद्र में रखा गया लोकपाल और राज्य में रखा गया लोकायुक्त, ये किस देश से लिया गया है, कहां, स्वीडन के ओम्बुड्समैन एक पद था उससे इसको क्या किया गया, रूपांतरित किया गया, क्लियर, भ्रष्टाचार इत्यादि की जांच करता है, ठीक है, लोकपाल कौन बने हैं, एएम खानविलकर, पूछा जाता है मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है, देख लेना, याद कर लेना, तेंदुओं की संख्या 13,874 है, ठीक है, फिर आइए 13,874 मतलब लगभग 14,000 तेंदुए हैं, फिर 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था, मेरा पहला वोट देश के नाम, देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चुनाव शुरू किया था किसने, चुनाव आयोग ने, किस मंत्रालय के साथ मिलकर, शिक्षा मंत्रालय, वहां ये ना कोई और मंत्रालय लगाइएगा। 28 फरवरी 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है, थूथुकुडी तमिलनाडु, हाइड्रोजन चालित फेरी, हाइड्रोजन चालित फेरी का शुभारंभ कहां किया है, थूथुकुडी केरल, तमिलनाडु, सॉरी थूथुकुडी तमिलनाडु, याद रखें थूथुकुडी तमिलनाडु, फिर आइए हाँ मार्च 2024 के स्विस संगठन IQAR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक या वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है, ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है, याद रखिएगा नई दिल्ली को लगा दीजिएगा, नई दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन है 21-23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9th रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, याद रखेगा ये कौन सा नंबर का है, 90 नंबर का, रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, इसका विषय क्या था, चतुरंगा, चतुरंगा में चार चीजें हैं, संघर्ष है, प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता के लिए संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, और फिर क्या है, सहयोग है और निर्माण, संघर्ष है, प्रतियोगिता है, सहयोग है और निर्माण है। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक में भारत के नया रैंक फिर आ गया, लोकतंत्र सूचकांक में कितना स्थान मिला भारत को, स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कितना था, 169, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना था, ग्लोबल जेंडर गैप में कितना था, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में कौन था, 39वां, ठीक है, फिर इसके पहले आपका पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में कितना था, और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना था, और फिर हम यहाँ पे आ गए फिर से, कौन सा है, लोकतंत्र सूचकांक भारत के स्थान 41वां, साइबर क्राइम वाले मामले में भारत के स्थान कौन सा था, 10वां, क्लियर, ये भी याद रखिएगा। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हाइड्रोजन चालित फेरी कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ किया गया है, थूथुकुडी कहाँ पर है, तमिलनाडु, फिर आइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन JSLV-F14 के तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया है, याद रखेगा INSAT-3 बहुत पूछा लगता है, INSAT-3 याद रखेगा, ये सब पूछे आते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन डायरेक्ट, ध्यान दे क्या है, इसरो ने 24 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से JSLV-F14 से तीसरी पीढ़ी के JSLV-F14 के तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया, INSAT-3, तो पूछना जाएगा मौसम विज्ञान उपग्रह है कौन, INSAT-3DS किस उससे किया गया, इसका रॉकेट से सफल परीक्षण किया गया, JSLV-F14 क्लियर, तीसरी जनरेशन संबंधित है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का कहां किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, गुवाहाटी। फिर फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है, पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, चेन्नई मेट्रो, नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा, नेटवर्क ऑन डिजिटल कॉमर्स, नेटवर्क ऑन डिजिटल कॉमर्स पर पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, चेन्नई मेट्रो। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, राधा रतूड़ी है, ठीक है।
उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रतूड़ी बनी है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। वंदे भारत भी चल रही है, नमो भारत भी चल रही है, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला कौन राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। फिर आइए, 9 फरवरी 2024 से कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है? पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला कौन बन गया है? सिक्किम। फिर आइए, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 17वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहां आयोजित किया गया? मसालों और पाक कला से संबंधित है, मसालों और किससे संबंधित? पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों के कोडेक्स समिति का 17वां सत्र 29 जनवरी को 2 फरवरी कहां आयोजित किया गया है? मसालों और पाक कला संबंधित कोडेक्स समिति का जो सम्मेलन है कहां आयोजित किया गया है? इसका कोची केरल में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फसल को, किस फल को राज्य फल घोषित किया है? काजी नींबू। ठीक, इसको काजी नींबू, थोड़ा सा आराम कर जाइएगा। हाँ ठीक है, हाँ काजी नींबू याद रखिएगा, कौन है? काजी नींबू। फिर आइए, 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल, पूछना जाए राज्य फल को हाल ही में, या कह दे काजी नींबू नामक राज्य फल किस राज्य द्वारा घोषित किया गया है? तो कौन है? असम। खट्टा नींबू है काजी नींबू। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस भारत GPT कहा जा रहा है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोरो प्राइवेट लिमिटेड। देखो साइंस टेक आता थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव AI Gen AI याद रखेगा, Gen AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, LLM का फुल फॉर्म ही पूछ ले, क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है। क्या कह रहे हो? भारत GPT कहा जा रहा है, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन है? कोरोवर AI। ठीक है, याद रखिएगा, Gen AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत GPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोरोवर AI याद रखिए, कोरोवर AI द्वारा जो भारत GPT लॉन्च किया गया। क्लियर? फिर आइए, ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा राज्य है जिसने अपने वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है, वो कौन सा राज्य है? ओडिशा। क्या है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। फिर आइए, भारत सरकार के प्रधान सचिव सलाहकार अजय कुमार सूद ने 2014 में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाति पोर्टल, महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। यार क्या स्वाति पोर्टल आ सकता है, दिमाग में रखिएगा, क्या है स्वाति पोर्टल में? प्रधान सचिव कौन है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है, गणित और चिकित्सा। भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सीधे सीधे विज्ञान है, गणित है, इंजीनियरिंग है, प्रौद्योगिकी में महिलाओं को, उनके नवाचार में महिलाओं की प्रगति को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की संख्या को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरुआत किया गया है? स्वाति। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कहेगा स्वाति पोर्टल संबंधित है तो वहां विज्ञान प्रौद्योगिकी गणित चिकित्सा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों और महिलाओं से संबंधित, ये बात क्या है? सही है। क्लियर? फिर आइए, हाल ही में उत्तराखंड स्थित टाइगर रिजर्व में पहली बार रुद्रप्रयाग हॉग हिरण देखा गया, क्वेश्चन आ जाएगा हॉग हिरण हाल ही में कहां देखा गया है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व। एक बात आई, नीली चींटी कहां दिखी थी? और एक चंद्रयानी 3 क्या था? जल भालू था। और एक और आया था जो पश्चिमी घाट से रिलेशन था, उसका वृक्ष था, उनियाला वृक्ष 140 साल बाद। ठीक है, और फिर एक आया है आपका, कौन है? हॉग हिरण। ये कहाँ देखा गया है? राजा जी। और एक आता धारीदार सिल्मियन दस्तावेजीकरण हुआ है, कहाँ पे? काजीरंगा। ठीक है, सचिव कनेक्ट किया गया जो है 18 से 19 21 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। तो याद रखेगा, नई पहली बार आया भारत अंतरराष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था?
रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, याद रखेगा। और अभी एक मैंने पढ़ा था नवा रायसीना डायलॉग, उसका विषय क्या था, संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, चतुरंगा, फिर आगे उसके लिखा था, ठीक है। फिर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। बच्चों याद रखेगा, अभी हाल ही में पहला हिंदू मंदिर का किस मध्य पूरे एशिया देश में किया गया या पश्चिम एशियाई देश में किया गया, अबू धाबी। और किसने इसका उद्घाटन किया ये भी पूछ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नाम क्या बच्चों, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, बोचास नवासी है अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर याद रख लो, काम चल जाएगा। स्वामी नारायण मंदिर का अबू धाबी में जो कि वहां का पहला हिंदू मंदिर है, इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। क्लियर। अगला भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहां पर किया गया, क्वेश्चन आ जाएगा कच्छ गुजरात। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, क्वेश्चन आ जाएगा भारत रंग महोत्सव का जो कि थिएटर फेस्टिवल है का आयोजन कहां किया गया, सीधे टिक मार दोगे कच्छ गुजरात। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली उत्तर पूर्व की महिला डीजीपी कौन थी, विदा सिसा, ठीक है, लोंगरों करके नाम था। और यहाँ पे कौन है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी, और जो है कहाँ की, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया, सर्वत्र, याद रखिएगा मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है सर्वत्र। क्वेश्चन आ जाए कि जो है सर्वत्र किस संस्था के द्वारा, जैसे क्वेश्चन घुमा के कर सकता है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया गया है किस विभाग द्वारा या किस मंत्रालय द्वारा, तो आप टिक मारोगे कहां से, डीआरडीओ द्वारा, किस द्वारा, डीआरडीओ। दो से एक सर्वत्र आया है, एक स्वाति आया है, एक भीष्म आया था, और भी कोई आया था, एक आया था मेघदूत आया था, एक दामिनी था, और भी कोई आए थे, क्रस और भूमि था, ये सब ये वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। फिर आइए 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, छत्रपति संभाजी नगर। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव छत्रपति संभाजी नगर कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर आइए जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत के रैंक प्रदान की गई है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक लो फिर आ गई है, मतलब करप्शन इंडेक्स में रैंक भारत को रैंक प्रदान हुई है 93, करप्शन इंडेक्स बोलते आइए 93 है, हैप्पीनेस इंडेक्स 136 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, विश्व प्रेस सूचकांक में इंडेक्स भारत का रैंक 159। क्लियर। प्रदर्शन सूचकांक में भारत कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत कर रहे हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत कर रहे हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत कर रहे हैं 63, ठीक है। और फिर ये कौन सा हम लोग लास्ट देख रहे हैं, भ्रष्टाचार सूचकांक भारत कर रहे हैं, साइबर में 10वां, ठीक है। फिर आइए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड 2B यूनिवर्सिटी घोषित किया है, डीम्ड 2B यूनिवर्सिटी घोषित किया है भारतीय संचार जन संचार संस्थान को, डीम टू बी। फिर ध्यान रखिएगा पूछना सकता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड 2B श्रेणी में किसे घोषित किया है, भारतीय जन संचार संस्थान। जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया, पूछना आएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया है गोवा में, ठीक है, समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 2024 को ब्लैक होल व अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, एक्सोसैट उपग्रह, याद रखेगा इनसैट एक आया था डीएस, किससे संबंधित था, मौसम संबंधित था, मौसम जानकारी संबंधित इनसैट डीएस, और आपका इनसैट 2DS, और ये कौन है नाम इसका, एक्सोसैट उपग्रह, एक्सोसैट उपग्रह किससे संबंधित है, ब्लैक होल और अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन करने संबंधित, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो, याद रखिएगा इसरो द्वारा हाल ही में ब्लैक होल और अंतरिक्ष संबंधित पिंडों के अध्ययन के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया, वहां चार प्रकार के दिखेगा तो किसको टिक मारोगे, एक्सोसैट उपग्रह। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्ध पोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है, INS चीता, गुलदार और कुंभीर, याद रख सकते हो, क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में भारत ने
सेवा के बाद किन जहाजों को मुक्त कर दिया है, सेवा से मुक्त किया है, या युद्ध पोतों को सेवा से मुक्त कर दिया है? चीता है, गुलदार है और कुंभीर है। चीता, गुलदार और कुंभीर। फिर आइए, भारत जो विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने? एक बोले चीता है, वो याद रखेगा, गुलदार है, कुंभीर है। नौसेना ने सेवा के उपरांत, कई वर्षों की सेवा के उपरांत उन्हें क्या सेवा मुक्त कर दिया है? याद रखेगा, क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से किसे भारतीय नौसेना ने हाल ही में सेवा मुक्त किया है, तो तीन नाम याद रखेगा आपका, गुलदार है, कुंभीर है और एक चीता है। ठीक है, फिर आइए, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, ठीक है, को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, ठीक है, पुल लिखना, लंबे लंबे पुल को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया, इसका नाम रखा अटल सेतु। याद रखें कितने किलोमीटर का ये पूछा जा सकता है, समुद्र पर बना सबसे भारत का लंबा पुल कौन है? अटल सेतु। कितने किलोमीटर? लगभग 21 किलोमीटर। कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई में। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? वहां नितिन गडकरी ने लगाएगा। कौन है यहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी सबसे ऊंचा जो है ब्रिज बना है कौन सा है? स्टील आर्च पर बना, चिनाब। किस जिले में बना था? रियासी जिले। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। फिर अभी कौन से सुरंग को विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, भारत की सबसे ऊंची सुरंग बनाई गई है? कहाँ पे थी? ठीक है, सब चीज याद रखेगा। फिर आइए, ट्रांस हार्बर लिंक, उसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहा जा रहा है। हाँ, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थित में अडानी ग्रुप ने किस नाम से, देखिए हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थित में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस ड्रोन, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस ड्रोन प्रदान किया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। तो याद रखेगा, क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर इसको जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद। किस जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा। और किसकी उपस्थित में? नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख इस समय कौन है आप लोग बताइए? करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था, डीके त्रिपाठी है। लेकिन नौसेना प्रमुख कौन चल रहे हैं? डीके त्रिपाठी से चल रहे हैं। हाँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और वायुसेना प्रमुख कौन है बताइए? रिया चौधरी। और जो आपका थल सेना प्रमुख कौन है? कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। मनोज पांडे ने लगे, मनोज पांडे हट चुके। ठीक है, चले। और जो है सीडीएस कौन चल रहे हैं? अनिल चौहान। ठीक, याद रखेगा। फिर आइए, हाँ, दृष्टि 10 स्टार लाइनर हो गया। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने वाला भारत का पहला, दुर्घटना के लिए ब्लैक स्पॉट क्षेत्र होते हैं, दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट क्षेत्र, उनकी मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सीधा सा मतलब, ठीक है, और दुर्घटना के लिए पुलिस व्यवस्था की है वो भी कौन राज्य है? और दुर्घटना में जो तुरंत तत्काल जो है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, सेवाएं दी जाए, उसके लिए पुलिस व्यवस्था स्टार्टिंग करने वाला भी कौन देश बना है? तो राज्य बना है पंजाब। फिर आइए, जून 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का याद रखिएगा, कहाँ पे किया? बीकानेर। फिर आइए, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप खिताब से सम्मानित किया गया? पेश टाइगर, डार्क स्काई, इसे रखा गया पेश टाइगर। 8 से 21 जनवरी 2024 के एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स 24 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विंग्स 24 का सफल आयोजन कहाँ किया गया? टिक मार दोगे, हैदराबाद। कहाँ पे है? बेगम टेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। जनवरी 2024 में इसके द्वारा वन व्हीकल्स वन फास्टैग लॉन्च किया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखेगा NHAI द्वारा क्या लॉन्च किया गया? वन व्हीकल वन फास्टैग, एक व्हीकल के लिए एक फास्टैग जो लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? ठीक है, NHAI। लगभग आधा आपका हो गया है, आधा ही बचा है इस वाले टॉपिक में, जो शुरुआत की समझ इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो नींद आ गई तुम उसमें सो गए वही लाइन नहीं आ गई। दृष्टि 10 स्टार लाइन
किस कंपनी द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, नौसेना की उपस्थिति में तुम वहां सो गए थे, झपकी आ गई थी, उस लड़के ने तुरंत टिक मार दिया हैदराबाद, तुम लगाए बंगलुरु उंगलुरु पता नहीं कहां, ये आई लाई नहीं थी लगेगा। ठीक है, करंट अफेयर में एक बहुत बड़ी समस्या है, डाटा फैक्ट ज्यादा होता है तो नींद बहुत तेजी से प्रकोप अपना लेती है। ठीक है, और सोचते हो कब खत्म होगा, बस सुनते रहिए काम चलता रहेगा। ठीक है, आइए जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव 24वें संस्करण का आयोजन है। ऐसे काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ है? बम्बई। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ? अभी वहां एक गोवा में महोत्सव हुआ था, कौन था? पर्पल महोत्सव। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ है? बम्बई। फिर आइए जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूज का आयोजन किया गया है? याद रखिएगा, ये सब आ जाएगा और समझ में नहीं आएगा। भैंसों की लड़ाई मोह जूज, एक आया था लड़कियों के लिए आई थी एक मोइना योजना, को क्या थे मोइना, हाँ कौन सी थी मोइना योजना, कहाँ पे शुरू की गई थी? असम। और नाम उल्टे उल्टे आ रहे हैं, एक ये नाम है कौन है? मोजूज, मोजूज। ठीक है, ये भैंसों की पारंपरिक लड़ाई कहाँ होती है? असम में। 9 वर्ष बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। जनवरी 2024 में अमेरिका के ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? सीधा मतलब है सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन, सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? देख लीजिएगा, एक जैसलमेर है और उदयपुर है। जैसलमेर को दूसरा स्थान मिला है और उदयपुर को नवा स्थान। याद रखिएगा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, याद रखिए पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा पक्के पागा। अभी एक आया था डिजिटल फ्यूचर स्किल सम्मेलन, कहाँ हुआ था? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल सम्मेलन, गुवाहाटी असम। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर असम अरुणाचल प्रदेश प्रकट हुआ है पूर्वोत्तर में, ये मैंने कहा पक्के पागा हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? लेकिन पक्के पागा रखेगा, याद रखना हॉर्नबिल वही नहीं लगा देना। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव, बच्चे याद रखें पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल डिब्रूगढ़ असम, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। ठीक है, फिर आइए 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93, याद कर चुके हो। ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, क्वेश्चन आ जाए भारत के किस राज्य ने अपने जो टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की शुरुआत की है? कौन है? सिमली पार्क टाइगर रिजर्व। क्लियर, एक सिमली पार्क टाइगर रिजर्व आया था, एक काजीरंगा टाइगर रिजर्व आया था, एक पेंच आया था, पेंच को क्या मिला था? क्या मिला था पेंच को? डार्क स्काई जो है पुरस्कार किसको मिला था? पेज टाइगर रिजर्व। सिमली पाल क्या है? मैनेस्टिक टाइगर सफारी। और धारिया सिसलियन के लिए कौन फेमस रहा था? काजी रंगा। क्लियर, बढ़े आगे, चले यहाँ तक हो गया है। आइए अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय वाला पढ़ रहे हैं। लगभग देखिए 14 पेज के थे तो लगभग हम लोग इस पे आ चुके हैं। हर डाटा क्वेश्चन है, हर डाटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कि ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो क्वेश्चन ना हो। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय। देखो अभी राष्ट्रीय चल रहा था, अब इसमें आ रहा है अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा। पुरस्कार भी आएंगे महत्वपूर्ण, सारी चीजें समरी आ जाएंगी। ठीक है, आइए अंतरराष्ट्रीय। अरे पूछूंगा बाद में आप लोगों से कौन सा इंडेक्स क्या है, ऐसे लगेगा आपको कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप रिकॉल करोगे ऑप्शन मिलेंगे जा जाओगे। अभी मैं मोह जूज पूछ लूं, भैंसों की लड़ाई कहाँ होती है, अब जानेंगे तुरंत कैसे संतुलन दिमाग में आ गया, ऐसे लगेगा नहीं आता। अभी मौजूद ऐसे नहीं, अभी पूछते नहीं पढ़े होते तो पता अरुणाचल प्रदेश लगा पता नहीं कहाँ होता। ठीक है, कहा अंतरराष्ट्रीय वाला देखिए 26 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है? पराग्वे। याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? पराग्वे, याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है कौन? पराग्वे। फिर आइए 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? यही नहीं चंद्रयान 3 हर जगह लगाइएगा। ठीक है,
रेत और पत्थर लेकर वापस पृथ्वी पर लौटा है, कौन सा है? चांगी सिक्स मिशन। चांगी चाइना का मिशन है, चीन का चांगी सिक्स मिशन। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस जो है देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ब्राजील एनवायरमेंट जुड़ा हुआ। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन है? पेंटानल। वहां पर भीषण आग लगी थी, इसलिए किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? ब्राजील। क्लियर। आर्द्रभूमि पेंटानल दक्षिण अमेरिका के तीन देश बोलिविया ब्राजील पराग्वे, याद करिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो पेंटानल आर्द्रभूमि है किन देशों में पड़ता है? ब्राजील हो गया, बोलिविया हो गया, और कौन सा आपका? पराग्वे स्थित है। जून 2024 बोलिविया है, ब्राजील है, कौन है? पराग्वे। अब जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ईरान वगैरह तुम लगा दोगे, ईरान नहीं, कौन निकलेगा ऑप्शन? तजाकिस्तान। तो हिजाब और जो इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? तजाकिस्तान ने। फिर आइए, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ना लगाइएगा, तजाकिस्तान वहां जाएगा। हाल ही में कौन से देश ने महिलाओं पर हिजाब और इस्लामी परिधान पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे जगह इस पे टिके रहना है, तजाकिस्तान, ठीक है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? मानव रहित सेना प्रणाली, मतलब मानव नहीं है उस सेना में, ठीक है, वो कौन सी शुरू की गई? यूक्रेन में। क्लियर। जून 2024 में किस देश ने ईरान के ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया? पूछा जा सकता है आपसे, वर्ल्ड जो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल करंट अफेयर कनाडा है। तो ईरान की ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, किसने? ईरान ने। क्लियर। आइए अगला देखो, जब आप रनिंग करते हो तो आपको शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, जब आप दो तीन चक्कर मारोगे तो आपको मन करेगा कहाँ फंस गया आपके रनिंग वगैरह में, ठीक है, कैसे निकलेगा 12 चक्कर तक। लेकिन दो तीन चक्कर के बाद आपका माइंडसेट और बॉडी और पैर जो भी आपको प्रोसेस में है लगे हुए, सब आपके फिर ढलने लगते हैं, फिर आपको 12 चक्कर तक आप जो है जान नहीं पाओगे कहाँ तक हो गया है। ऐसे पढ़ाई कभी शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा, 15-20 मिनट आधा एक घंटा लगेगा, क्या है आगे का, आप सोच रहे हो, आप पढ़ने तुरंत कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे हो आगे का कितने बजे छूटेंगे, कितने बजे कंप्लीट होगा, इस चीज में पड़े होते हो तभी। और उसके बाद आप खो जाओगे तो आपको टारगेट से दिखेगा कि ये जो है पहला टास्क हमने कहा है, कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब फिर आप टास्क पर लड़ाई करोगे। अब आइए से आ गया, हाल ही में एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र में भीषण आग लगने से किस राज्य देश ने अपने वहां आपातकाल घोषित कर दिया? तुरंत जान गए ब्राजील। ऐसे क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए हैं। क्लियर। अभी जो है पेरुल कहा जाता है, पेरुल को जमा कर 1 किलो जमा करोगे 50 रुपए मिलेंगे, इस तरीके के योजना उत्तराखंड में शुरू की गई। क्यों? क्योंकि पेरुल कहते हैं चीड़ की पत्तियों को, और चीड़ की सूखी पत्तियां आग लगने में क्या होती हैं? सहायता करती, बहुत ज्यादा आग फैलाती हैं। तो गांव के लोग जो है इसी बहाने पेरुल की पत्ती, पेरुल को मतलब पत्तियां इकट्ठा करेंगे और 50 रुपया पर केजी बिकेगा तो बेचेंगे जाके। अब ये सब चीजें आ जाए कहीं पेरुल संबंधित बात किस राज्य ने शुरू किया, अब इसने पढ़ा उसको तो पूरी कहानी पता, और इसने नहीं पढ़ा उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। चलिए सब चीजें आती हैं। आग भीषण लग रही, सबसे बड़ी आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही जंगलों में आग लगना, इससे इन्वायरमेंट पूरा ध्वस्त होता है, वहां के जीव जंतु मर जाते हैं, और बड़ी स्तर पर जो आग मिलती है प्रदूषण भी तो होता है, धुआं निकलता है, हर प्रकार से हानि होती है। आज जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश ने पशुधन पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? पशुओं के डकार पर, पशुधन पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया, मतलब पशुओं की जो डकार होती है उस पर एक टैक्स लगता था, उसको समाप्त कर दिया किसने? न्यूजीलैंड ने। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश ने पशुधन पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? कौन? न्यूजीलैंड। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, आप में संगठन आते हैं तो संगठन कौन है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन है? थाईलैंड। समलैंगिकता, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, याद रखेगा, थाईलैंड, ठीक है। समलैंगिक मतलब स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, इस तरीके का।
विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? इंडोनेशिया। टिक लगाएगा कौन है? थाईलैंड। फिर आइए जून 2024 में जारी सिप्री ईयर बुक 2000 हथियार निशस्त्रीकरण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस। याद रखेगा सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस। भारत किस नंबर पर है? छठवें नंबर है। कितने परमाणु हथियार बात कर सकते हैं? याद रखेगा तो क्लियर। फिर आई इटली में जून 2024 के संपन्न जी सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा सीधा आ जाएगा। जी सेवन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इटली, चाइना, फ्रांस, अमेरिका। तुम इतना भी नहीं कर पाओगे वहां पता नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्या है? इटली है। कौन है? इटली। इटली में जून 2024 को संपन्न जी सेवन देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के को कितने अरब डॉलर को ऋण देने पर सहमति बनी है? 50। जो पता होगा वो तो किसको तो जानता होगा, इसको यही नहीं पता होगा जी सेवन का आयोजन कहाँ हुआ है, तुम भी नहीं जानता होगा कहाँ हुआ है। इटली। और कितने जो है किसको पहली बार ऋण देने की बात की गई है? यूक्रेन। कितने अरब डॉलर? 50। अभी सेना रहित जो अभी एक फोर्थ तरीके से तैयार किए किसने? यूक्रेन। फिर आइए जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ब्रिटिश अभिनेता लियो जेम्स। रखिएगा संयुक्त शरणार्थी एजेंसी ने अपना राजदूत या मेजर किसे लॉन्च किया है? लियो जेम्स। वहां अमिताभ बच्चन में लगा दीजिएगा, सब भारतीयों को ही बना दिया जाएगा, नहीं वहां किसको बना दिया गया? ब्रिटिश अभिनेता लियो जेम्स। आइए अगला, नासा के परसिवेरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है जिसको नाम दिया गया है एटेको पॉइंट। पूछा जा चुका है एक बार, क्वेश्चन आया था परसिवेरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी संबंधित जो है यान है, तो किससे? नासा। इतना तक लोग मिला कहा किसको लगा दिए? इसरो ही लगा दिया। ये कहां संबंधित है? नासा से। इसने किस पर, कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक सफेद पत्थर पाए हैं, उसको नाम इन्होंने क्या दिया है? एटोको पॉइंट। ऐसा आ जाएगा एटोको पॉइंट निम्नलिखित में से क्या है, तो आप बता दोगे? नासा के द्वारा परसिवेरेंस रोवर मिशन के थ्रू या मिशन के जरिए काले पत्थरों के बीच मिला एक सफेद, या काले पत्थरों के बीच मिला सफेद पत्थर का नाम। वैश्विक पर्यटन स्रोत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? पर्यटन मेले का आयोजन पर्यटन वैश्विक पर्यटन स्रोत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर्यटन विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए कहां पर मेले का आयोजन किया गया है? नेपाल। याद रखेगा जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते में किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? याद रखा पेरू, एक और भी क्वेश्चन था, आर्टेमिस मिशन किस एजेंसी का है? नासा। कौन से देशों ने इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं? पेरू और स्लोवाकिया। ठीक है, पेरू और स्लोवाकिया। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसटो। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा सकता है रूस के नेतृत्व वाला जो है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से किस देश ने अलग होने की घोषणा की है? आर्मेनिया। जहां रूस आ जाए, यूक्रेन आ जाए, फिलिस्तीन आ जाए, ईरान आ जाए, ऐसी घटनाएं हैं जरूर उनको दिमाग में रखेगा, पूछी जा जाती है। ठीक है, वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, मलावी के हैं, ये भी याद रखेगा। एक अभी ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी एरोप्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनका क्या नाम था? रईसी था, उनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ कौन उपराष्ट्रपति हैं? सोलोस चिलिमा या सोलोस, याद रख लो। ठीक, सोलोस, इनका निधन हुआ है। कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं? मलावी में। मलावी किस द्वीप में पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। किस पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप। फिर आइए जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, जरूर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है, तो कौन है? क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको। याद रखिए क्वेश्चन, जून 2024 में सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सांगरी ला संवाद जो सिंगापुर है, सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। सांगरी ला संवाद सिंगापुर। फिर आइए याद रखिएगा सांगरी ला संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया? सिंगापुर। फिर आइए
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? इसराइल को। ठीक है, बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा गया है? इसराइल को। फिर आइए, जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए नई रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो नई रूपरेखा को, जो गाइडलाइन को मंजूरी दी है, किस देश ने? नेपाल ने। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय संघ द्वारा। एआई कानून, एआई कानून को मंजूरी देने वाला संगठन कौन बना है? यूरोपीय संघ। फिर 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, पहली बार ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन है? सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन है? पशु कौन है? गेंडा है। पौधा कौन है? देवदार है। तो याद रखिएगा, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रभावित पौधा और पशु कौन है? तो पौधा में देवदार है और पशु में ठीक है गेंडा। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन twitter.com से बदलकर xcom.com कर दिया है। क्लियर, तो वही है, कौन है, क्या रख दिया है? x.com। फिर हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है। याद रखेगा, चीन और यूएस न मारिएगा। 6G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? जापान। ठीक है, मई 2024 में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां देश बन गया है? स्पेन। अब तो 100 बन गया था पराग्वे। क्लियर, और नई गाइडलाइन को मंजूरी देने वाला कौन बना है? नेपाल। फिर आइए, मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? सभी ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं किस देश में? कौन सा देश? वेनेजुएला। आग लगने के कारण आपातकाल लगाने वाला देश बना था? कहां, किस आर्द्रभूमि में आग लगी थी? भीषण आग लगी। पेंटानल, पेंटानल किन क्षेत्रों में विकसित हुआ है, फैला हुआ है? बोलिविया, पराग्वे और ब्राजील। याद रखिए, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से अधिकाधिक बयान देने के लिए विश्व के सबसे पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण मई 2024 में यूक्रेन। देखिए, वह देश जिसने अपने विदेशी मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आ जाए, विदेश मंत्रालय में AI आधारित प्रवक्ता के द्वारा संवाद देने वाला पहला देश कौन बना है? यूक्रेन। उसका नाम AI प्रवक्ता क्या है? विक्टोरिया सी। क्लियर, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? याद रखिएगा, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला स्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की? मतलब बहुत ऊंचाई पर स्विमिंग पूल खोला जाएगा, किस देश द्वारा? भूटान द्वारा। मई 2024 में किन तीन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? मान्यता आधिकारिक रूप से 24 से प्रभावी हो गई है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। देशों के नाम रखेगा, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के पक्ष में कौन है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सका है BPSC एग्जाम में कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? कहाँ? रॉटरडम, नीदरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। विश्व जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया, किसने शुरू किया? ज्योतिराज सिंधिया ने, हरियाणा के हिसार में। और जो कहा जाए ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुभारंभ हुआ था? हिमाचल के शिमला। ठीक है, वहां पे शुरू हुआ। क्लियर, क्या क्या? दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगा, यही मैंने क्वेश्चन यहां दिया था बच्चों। ठीक है, दक्षिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, स्क्वाड। याद रखिएगा, स्क्वाड एक नया संगठन बना है, इसमें कौन है?
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। भारत नहीं है, कौन है? फिलीपींस। और क्वाड में कौन था? फिलीपींस खेलेगा, भारत। क्लियर? कौन था? भारत। क्लियर? याद रखेगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रमकता पर अंकुश लगाने तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा एक संगठन कौन है? क्वाड। याद रखेगा, क्वाड में फिलीपींस लिया कौन है? भारत। स्क्वाड में भारत लिया कौन है? फिलीपींस। ठीक है, फिर आइए, 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत हुई है? 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत हुई? अनाज भंडारण योजना। फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? याद रखेगा, अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया, अपने वहां का यूपीआई सिस्टम लॉन्च कर दिया है। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। श्रीलंका और मार्शल, किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को क्या कर दिया है? लॉन्च किया, अपने वहां का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपने वहां लॉन्च किया, कौन? श्रीलंका और मार्शल। याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? ग्रो पहल। पूछ सकता है ग्रो पहल किससे संबंधित है? बंजर वाली भूमि को किसमें बदलना? खेती और वनीकरण माध्यम में बदलना, उपयोगी बनाना। ये किसने शुरू किया है ग्रो योजना? नीति आयोग। क्वेश्चन आएगा, बंजर भूमि को खेती और वनीकरण का योग्य बनाना किस संस्थान द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, ग्रो योजना को शुरू किया गया है? नीति आयोग। फिर आइए, ग्रो का फुल फॉर्म ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन तीन प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की है? रेलवे जुड़े तीन आर्थिक गलियारे कौन बनेंगे? कौन है? ऊर्जा खनिज, सीमेंट गलियारा। ठीक है, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा और बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। याद रखिएगा, पूछ सकता है उच्च यातायात घनत्व गलियारा, फिर ऊर्जा और खनिज, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, और बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। बंदरगाह वाला, ऊर्जा खनिज वाला गलियारा, और एक कौन है? यातायात। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभ लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है? लघु वन उपज के लिए। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना शुरू किया है? लघु वन उपज के लिए। तो लाभ, ये लाभा है, ये याद रखिएगा, लाभा एमएसपी योजना लाभा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ओडिशा। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजी कद्रव्य की राशि क्या है? 11.11 लाख करोड़। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपत दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? याद रखेगा, जो 24-25 का अंतरिम बजट में आया है, इसमें लखपत दीदी को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 करोड़। फिर आइए, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है। कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारत ई स्कूटर कंपनी बनी है, कौन? ओला इलेक्ट्रिक। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? सेंथिल पांडियन। याद रखेगा, विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हो रहा है? सेंथिल पांडियन। याद रखिए, कुछ सुना सकता है, विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में कौन है भारत की तरफ से? सेंथिल पांडियन। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? याद रखेगा, भारत माला परियोजना की समय सीमा बढ़ा दी गई है, कब तक? 27 से 28। फिर जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, देखिए बोइंग कंपनी अमेरिका की, अमेरिका के बाहर बोइंग इंडिया, इंडिया में आ रही है, उसका नाम बोइंग इंडिया, फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है? बंगलुरु में। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बोइंग इंडिया
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर उद्घाटन किया गया है? क्लियर, बेंगलुरु, लखनऊ में लगाइएगा। हाँ आइए अगला पॉइंट। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों एमएसएमई के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मानता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है, संयुक्त अरब अमीरात के। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमी, उनको क्या कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल, सीधा सीधा मतलब है कि एमएसएमई के लिए इकोमार्क ग्लोबल को लॉन्च किया है किसने? संयुक्त अरब अमीरात। फिर आइए 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 24, अभी जानते हैं विंग्स इंडिया 24 कहां आयोजन किया गया था? हैदराबाद। 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां मनाया गया था? श्रीनगर में। जब भी याद रखे विंग्स इंडिया 24 कहां? हैदराबाद। ठीक है, एक्सपो की थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @247 के लिए मंच तैयार करना। तस्वीर एक बार पढ़े, अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत को ना दुनिया से क्या करना, कनेक्ट करना। और दूसरा पॉइंट क्या है, भारत नागरिक उड्डयन @247 के लिए मंच तैयार करना, ऐसा कुछ आ जाए ऑप्शन तो क्या है, यह आपका किसका है, विंग्स इंडिया 2024 कहां आयोजन हुआ? हैदराबाद। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। तो ISO 27001 और 2022 कौन? हल्दिया पेट्रोल। अब पुरस्कार पर थोड़ा जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ठीक है, देखिए पुरस्कार के बारे में। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन प्रिंटर अवार्ड सम्मानित, बहुत पूछा जाता है ये भारतीय कोई विश्व का पुरस्कार पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, कौन है? अरुंधति राय। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका है जिन्हें हाल ही में कौन पुरस्कार, पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। पेन प्रिंटर अवार्ड आइएगा 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एवं अवार्ड 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है? टेंशन कुछ ना लीजिए, अभी यह कहता पेन पेंटर अवार्ड अरुंधति राय को मिला है, बस अभी अवार्ड का नाम रखिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। देखो कठिन है ना, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा आप जानते हो क्या है अवार्ड का नाम, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप चैंपियन अवार्ड, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसको मिला है? गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, याद रखें गार्डन रिच याद रखेगा, उसको मिला है कौन अवार्ड, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसको मिला है, गार्डन रिच को मिला। क्लियर, विलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? याद रखें किस देश की महिला मीडिया टीम ने, विलन नाम विलन है, विलन नहीं है विलन, विलन नाम नामक किस देश की महिला मीडिया टीम, विलन नाम की महिला मीडिया टीम है उसको क्या मिला है, वन वर्ल्ड प्रेस मीडिया वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है किसने, सोमालिया। ठीक है, जो सोमालिया की विलन नामक महिला मीडिया टीम है उसने कौन पुरस्कार जीत लिया बच्चों, वन वर्ल्ड प्रेस वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड पूछा लगता है महिला संबंधित है। वह भारतीय वृत्तचित्र से 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया द गोल्डन थ्रेड। या फिर वह भारतीय वृत्तचित्र से 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड से साथ अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सर्वोच्च डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया द गोल्डन थ्रेड। प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव फिल्म निर्माता कौन है, सुबैया नल्ला मुथु, नल्ला मुथु याद रखिएगा, को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, नल्ला मुथु है, किसे जुड़े हैं, वन्यजीव फिल्म निर्माता है। ठीक है, फिर आइए हाल में महाराष्ट्र किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने
भूमि न्याय घोषित पूछा सकता है। संयुक्त राज्य एजेंसी ने महाराष्ट्र के किस किसान को भूमि न्याय घोषित किया है? सिद्धेश साकोरे को, यानी कि सिद्धेश को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि न्याय किसान घोषित किया है। क्लियर, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। नाम क्या है? सिद्धेश साकोरे हैं। किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। फिर आए भारतीय मूल के व अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी है। वह भारतीय मूल के व अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित, यानी कि क्वेश्चन है 100 पुरस्कार किस से संबंधित है? खगोल विज्ञान से। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, BGI पुरस्कार ऐसे नाम दे देता है, ठीक है, तो कौन है ये 100 पुरस्कार किस संबंधित है? खगोल विज्ञान से। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति किसको दिया गया है? कुलकर्णी। कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। भारतीय को कुलकर्णी को पुरस्कार मिला है 100, ठीक है। और उससे ऊपर कौन है आपके? भूमि न्याय घोषित हुए सिद्धेश। कठिन होता है अभी शांताराम लाइफ टाइम एचर्ड नकला मुथु विचित गोल्डन ग्रेट जो आपकी अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री में लिए फिल्म। और आइए सोमालिया में वही मीडिया एक टीम है विलन, उसकी टीम को मिला है वर्ल्ड प्रेस मीडिया फ्रीडम अवार्ड, ठीक है। फिर आइए इसके बाद एक और आया था मामला, गार्डन रिच को कौन सा अवार्ड मिला है? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है। और एक कौन है? अरुंधति राय को पेंटर पिंटर अवार्ड मिला है, पेन पिंटर अवार्ड मिला है, पेन पिंटर अवार्ड। फिर आइए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में यूटिलिटीज द्वारा 1400 है, ये कोई दूसरा पेज आ गया है, चलिए कोई बात नहीं अभी देख लेंगे, अभी आ जाएगा। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग, अभी वो आ जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इकोनॉमी वाला आ गया है, देखिए इसमें क्या है। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स, याद रखेगा S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत को जो है अर्थव्यवस्था को स्थिर से किसमें रख दिया है? सकारात्मक। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। इकोनॉमी थोड़ा सा कठिन लगेगा तुमको, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट, याद रखेगा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धन प्राप्ति करने वाला शीर्ष देश रहा है भारत। मतलब भारत के लोग विदेश में गए हैं वहां से बहुत ज्यादा पैसा भेजने वाले लोग बने हैं, और इतना पैसा भेजा है कि धन प्रेषित के मामले में या रेमिटेंस के मामले में भारत क्या रहा है? वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का देश बना है। कितना अरब डॉलर भारत में आया है बाहर से पैसा? 111 अरब डॉलर। क्लियर, तो कुछ धन प्रेषित के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? या कहेगा धन प्रेषित के मामले में शीर्ष स्थान पर निम्नलिखित में से कौन देश रहा है? भारत। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन, ठीक है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप सिक्योर IoT, भारत का वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है सिक्योर IoT। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज ऑटो, याद रखेगा CNG मोटरसाइकिल, CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? बजाज ने। और उसका नाम क्या है? बजाज फाइनेंस, यार ये कंपनी बजाज है। बस इस जहां से मई 2024 से आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया है, यार क्या ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं जो है दादा भाई नेहरू जी के बारे में, उन्होंने बताया था भारत से किस प्रकार ब्रिटेन में क्या गया था, धन पहुंचा था, बहुत सोना और बहुत रुपया सब पहुंचा था यहाँ से, ठीक है, पाउंड में कई सारा यहाँ का धन पाउंड में बदल जाता था उनका। तो अब भारत में कितना कितना सोना वहां से आया है? 100 टन से अधिक आया है सोना आया है, ठीक है, ब्रिटेन। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? याद रखिएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्वेश्चन आ सकता है कहाँ शुरू किया है? क्वेश्चन आएगा हाल ही में चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया गया किस निजी कंपनी द्वारा? अडानी ग्रुप, रिलायंस, टाटा, विप्रो, तुम इसको लगाओगे?
अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य कौन सबसे बड़ा बना है? तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? कार्गो हैंडलिंग, बहुत ज्यादा सामान इधर से वहां पहुंचता है, लाया जाता है, तो कौन उभरा है इस मामले में? पारादीप। कहां पर है? उड़ीसा। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? बैलेंस शीट का आकार कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? 70 लाख करोड़ रुपए का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 24 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है? याद रखेगा, जो आईएलओ द्वारा बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है? 4.9%। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन ऑथराइज्ड इकोनॉमिकल ऑपरेशन का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत जो आर्थिक संचालन का दर्जा दिया गया है, तो कौन है? रत्न एवं आभूषण को। ईयू का दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया में सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% कमी आती है। आइए अगला देखते हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को मिनी रत्न श्रेणी वन कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। किसे? याद रखिए, मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा किसे दिया गया? देख लीजिएगा, ग्रिड इंडिया। किसे दिया गया है? ग्रिड इंडिया। फिर आइए, अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी है। चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। याद रखें, सिट्रोन क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली क्या है? कंपनी है। प्रयत्न अगला, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? याद रखेगा, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है? NVIDIA कॉर्प। ठीक है, NVIDIA कॉर्प का मार्केट 5 जून 2024 को $3 trillion से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का $3.10 trillion है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन? माइक्रोसॉफ्ट। फिर कौन बन गई है? NVIDIA कॉर्प। और फिर तीसरे पे कौन चली गई है? एप्पल। क्लियर, याद रखिएगा, इसे पूछ सकता है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 24 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जोखिम प्रबंधन पुरस्कार पाने वाली भारत की कौन सी बैंक है? सीधे सीधे पता होगा और लगा देगा, आरबीआई। जोखिम प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, जोखिम प्रबंधन पुरस्कार आरबीआई। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडा को। 16वां जो वित्त आयोग है उसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को। अप्रैल 2024 में जारी हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक है। यूनिकॉर्न के निर्माण में भारत की विश्व में रैंक कौन है? तीसरी। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? यार क्या, रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम, 5G टेलीकॉम उद्यम कहां पे रिलायंस ने लॉन्च कर दिया है? घाना में। कहां पे? 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत तक अपरिवर्तित रखा गया है? ठीक है, ये मौद्रिक समीक्षा होती रहती है। ठीक है, हाँ क्लियर। फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल
हंड्रेड को लॉन्च किया गया है, ऑटो ईंधन एथेनॉल को लॉन्च किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिप पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है असम। बच्चों याद रखिएगा, वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। मांजुली तो जान ही रहोगे, मांजुली द्वीप कहाँ है? असम। लेकिन दूसरा याद रखिएगा, पांडुलिपि पेंटिंग, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान हुआ है। इनको एक आप तानपुरा पढ़े थे, एक सितारा पढ़े थे, वो कहाँ के थे? इनको जीआई टैग मिला था महाराष्ट्र। क्लियर। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में, अच्छा वो दूसरा पॉइंट आ गया, अभी वहां जोड़ देंगे। मई 2024 में यूएई की राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वर्णता पदक प्रदान किया है? ध्यान दे दिया, मई 2024 में यूएई की राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वर्णता पदक प्रदान किया है? पराग्वे। ठीक है, फिर मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? पूछा सकता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ है? आप लगा दोगे कहाँ है, आटाकामा वेधशाला कहाँ है? चिली। ठीक है, जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है, जापान का टोक्यो विश्वविद्यालय है, आटाकामा कहाँ पर है? चिली। वहां पर इसको क्या किया है? लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है, दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला। फिर आइए, 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में, यही आ जाए, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बाली में। फिर इसका जो थीम क्या था? साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। फिर आइए, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ? वियना। फिर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? बाली। ठीक है, फिर आइए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? फ्लोएट जो है, कह सकते हो चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम कौन एजेंसी बनाएगी? नासा, और उसका नाम क्या रहेगा? फ्लोएट। फिर आइए, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में कौन देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब। और इस बार किसने की थी? बाली ने, इंडोनेशिया ने। क्लियर। फिर नेपाल की वह मंत्री प्रधानमंत्री वह महिला पर्वतारोही प्रधानमंत्री नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बनी है, पूर्णिमा शेष। ठीक है, फिर आइए, मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा की? फिर से बताइएगा, मई 2024 किस देश ने पर्यावरण की रक्षा के लिए में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा की है? पर्यावरण की रक्षा में योगदान देने वालों के लिए जो है ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा करने वाला देश कौन है? याद रखेगा, ब्लू रेजिडेंस वीजा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है, कहाँ पे हम्बोल्ट ग्लेशियर है? वेनेजुएला। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला? नान्यांग। कहाँ का है? सिंगापुर। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? याद रखिएगा, पोखरा। क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में किस देश ने अपने शहर को एक पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है? वह शहर है, ठीक है, पोखरा। ठीक है, फिर आइए, मई 2024 में जारी वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया? याद रखेगा, विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क। क्लियर। फिर आइए, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? जिग। याद करेगा, जिग गोल्ड या जिग मुद्रा किसने जारी की है? जिम्बाब्वे ने। क्लियर। फिर आइए, मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लाटविया, इस्टोनिया, देखो पहले बार लाटविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है, तो याद ही रहेंगे, लाटविया है, इस्टोनिया है, लिथुआनिया या वाले थी। फिर कौन है? पोलैंड है, फिनलैंड है, और जो है नॉर्वे ने संयुक्त रूप से, पोलैंड है, फिनलैंड है, और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ड्रोन दीवार किस देश के विरुद्ध बनाई जा रही है? कौन से नाटो के देश है ड्रोन दीवार बनाए जा रहे हैं?
लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, ड्रोन दीवार किस देश के रूस? वर्ष 2024-26 के सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? याद रखिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता, याद रखिए 24-25 के लिए किसने ग्रहण की है? भारत ने। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर बातचीत करना। ठीक है, तो याद रखिए कोलंबो प्रोसेस किससे जुड़ा है? प्रवासी मजदूरों से जुड़ा है। कोलंबो अध्यक्षता 24-26 की किसको मिलने जा रही है? भारत को। याद रखिए कोलंबो प्रोसेस। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स या मंकी पॉक्स को प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ठीक है, किस अफ्रीकी देश ने मंकी पॉक्स को स्वास्थ्य मतलब हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो कौन रखेंगे? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला है। ठीक है, पाकिस्तानी सेना में मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर पहुंचने वाली अल्पसंख्यक महिला कौन सी है? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हेलेन मैरी। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की है? सऊदी अरब ने। अभी जो है ब्लू रेजिडेंस वीजा किसने लॉन्च किया था? यूएई। याद रखिएगा ये सब उधर की कंट्रीज को। हाल ही और अभी जो है स्वामी नारायण जो मंदिर पहला हिंदू मंदिर कहाँ पे लॉन्च किया? शुरू उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया गया था अबू धाबी यूएई। कहाँ? यूएई के अबू धाबी। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? रूस ने। ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा हाल ही में किस देश ने किया है? रूस ने। और सामूहिक सुरक्षा संधि रूस द्वारा नेतृत्व में चल रही थी, उससे कौन सा देश बाहर हुआ था? आर्मेनिया। और ड्रोन दीवार अभी किसके खिलाफ बनाई गई? रूस के खिलाफ। किन देशों द्वारा बनाई गई? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया था। ठीक है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड द्वारा बनाई गई। क्लियर। फिर वह देश जहाँ के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तांजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है? मैक्सिको। यार वह देश जहाँ के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तांजा ब्लू होल मिला है, दुनिया में सबसे गहरा ब्लू होल मिला, याद रखेगा वो कौन सा देश है? मैक्सिको। फिर इस पर 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में कौन कर? बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? वायु परिवहन संघ की बैठक में यानी भारत। और कोलंबो प्रोसेस किसको मिला है अध्यक्षता करने का मौका? भारत को। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? ईवी बैटरी पासपोर्ट वोल्वो कार्स ने। 5 जून को 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? याद रखिएगा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग। कुछ नाम याद रख लो, ओलेग कोरोनेंको। ओलेग याद रखिएगा नाम, विश्व में सर्वाधिक अंतरिक्ष में समय बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग। फिर आइए रूसी अंतरिक्ष यात्री भी, ये भी याद रखिएगा, कहाँ के हैं? नासा के नहीं है, रूसी अंतरिक्ष यात्री। फिर वह देश जहाँ स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी विस्फोट है, पूछना जाएगा माउंट इबू ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? टिक मार दोगे, कहाँ पे है इबू? थोड़ी इंडोनेशिया। फिर मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही है? यार अब ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड होता है, तो मिस वर्ल्ड देख लिया कौन है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना बनी है। क्रिस्टीना बनी है क्या? मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना मिस वर्ल्ड बनी है। मिस वर्ल्ड कौन? क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो में 32वें सदस्य के रूप में और सोलर एलियंस में 100वें सदस्य के रूप में किसको लॉन्च किया जोड़ा गया था? और नाटो में 32वें के रूप में यार है स्वीडन, नॉर्वे ना लगाए, कौन लगाओगे? स्वीडन। क्लियर। फिर आइए मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया, मतलब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, संविधान में जोड़ा गया किस देश में? फ्रांस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आइए मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? याद रखिएगा दक्षिण कोरिया। सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया। विश्व की किस पहली यात्री विमान कंपनी ने पहली एआई एयर हॉस्टेस को एआई एयर हॉस्टेस वो डीडी किसान पे क्या था? पहले जो है
एंकर थे एआई आधारित, और वहां पर यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय में एआई प्रवक्ता रखा था, ठीक है। और ये क्या है आपके एआई एंकर, क्या नाम है, समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया गया कतर एयरवेज में। याद रखेगा कतर जो एयरवेज में जो समा जो कतर एयरवेज में समा 2.0 नाम की जो है एयर होस्टेस एआई है, ठीक है, एआई आधारित एयर होस्टेस है समा 2.0। फिर आइए मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है, स्टार गेट सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित, पूछा जाएगा जो है स्टार गेट सुपर कंप्यूटर क्या है, एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है, किसका नाम बनाया है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा। फिर आइए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। याद रखेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, याद रखना पूछा जाता है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया है। देखिए पाकिस्तान है, सोमालिया है, पाकिस्तान हो गया, देखिए पीछे कैसे ध्यान दीजिए इधर पढ़ाई पे, पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, पनामा है, और ग्रीस है, कितने देश हैं, पांच, याद रखोगे पांच फिर से पाकिस्तान। क्वेश्चन याद रखाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनमें से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल अस्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। देखिए कुछ देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप देश के रूप में है, उनमें कौन कौन से आते हैं, चीन है, रूस है, फ्रांस है, देखिए रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, और कौन है, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है स्थायी सदस्य, और ये क्या है इसमें हर दो साल पे इनका कार्यकाल क्या रहता है बदला जाता है, तो कौन कौन है, पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, पनामा है, कठिन होता है याद करना लेकिन याद करोगे, पाकिस्तान सोमालिया याद रहेगा, पनामा है, डेनमार्क है, और ग्रीस, ठीक है, पनामा डेनमार्क और ग्रीस याद रखेगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल इनमें से देश नहीं है, पनामा, डेनमार्क, कोस्टारिका और आपका इनमें से सभी, बताइए कौन है, आप बहुत लोग लगा इनमें सभी लग रहे हैं लेकिन कौन है इसमें, कोस्टारिका। फिर आइए मई 2024 को कजाकिस्तान, अच्छा पर मई 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, याद रखिएगा मई 2024 में WHO द्वारा कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया गया, जिनेवा में, ठीक है। मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, याद रखिए अभी आया था परमाणु जो है सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ है, लेकिन कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता, देखिए परमाणु ऊर्जा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ है ये नाम अध्यक्षता लेकिन किसने की है ये भी याद है कजाकिस्तान। मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया है, प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किसने किया है, अमेरिका ने, याद रखेगा प्री फायर पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह, लघु जलवायु उपग्रह शॉर्ट क्लाइमेट प्लैनेट शॉर्ट क्लाइमेट सैटेलाइट क्या नाम है प्री फायर क्या करेगा ध्रुवों का अध्ययन करेगा, और किसने जो है लॉन्च वगैरह किया है अमेरिका ने, याद रखेगा प्री फायर। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है, जिबूती ने, मतलब उन मच्छरों कंट्रोल करने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित और मच्छरों को छोड़ दिया है, किसने, जिबूती ने। दक्षिण अफ्रीका कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी घोषणा की है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, दक्षिण कोरिया की कंपनी, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहां खोला गया है, हंगरी में, सबसे यह पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, क्या नाम है इसका, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, कहां खोला गया, हंगरी में। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुइटी मशीन द्वारा निर्मित 6 लैंडर जो फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुए हैं कौन है, ये भी बहुत पूछा था, लैंडर ओडिसियस, लैंडर ओडिसियस पहली बार किसका है, नासा का है, कि वहां कंपनी की कौन सा है, इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित है लैंडर, और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, इसका नाम क्या है, लैंडर ओडिसियस, कौन सा है,
इंटुइटी, ठीक है, इंटुइटी एक मशीन एक कंपनी है, उसके द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो लैंडर उतरा उसका नाम क्या, लैंडर ओडिसियस। आइए 12-13 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया, याद रखिएगा प्रजाति प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ किया गया, याद रखिएगा प्रजाति प्रवास संरक्षण सम्मेलन कहाँ किया गया, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान 2024 में। उसको भी बंद कर दिया, थोड़ा सा हल्का बंद कर देगा वो आवाज आ रही। हाँ, 2024 में कहाँ पर, 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जर्मनी। 16-19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, क्वेश्चन आ गया विश्व सामाजिक सम्मेलन, विश्व सामाजिक सम्मेलन काठमांडू सम्मेलन बहुत आ रहे हैं, एक जल सम्मेलन जल मंच था कहाँ किया गया था, बाली इंडोनेशिया, क्लियर। और प्रवासी प्रजाति सम्मेलन कहाँ हुआ अभी, अभी मतलब वो काठमांडू सामाजिक सम्मेलन जो है काठमांडू समरकंद कहाँ हुआ है, वो समरकंद सामाजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, काठमांडू। मेला किसने जो है अपना घोषित किया था सांस्कृतिक बढ़ावा के लिए, नेपाल। पर्यटन राजधानी पोखरो किसने अपनी घोषित की थी, नेपाल, ठीक है, सब चीज याद रखिए। फरवरी 2024 में किस किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया, याद रखेगा हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष रखिएगा सलाम, जस्टिस सलाम याद रखिए लेबनान। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है पूछा था, हेग, हेग किस देश में स्थित है, नीदरलैंड में, और उसके जो अध्यक्ष बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन बने, सलाम, कहाँ के हैं, लेबनान। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कैमरून। अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला देश बना है कौन, कैमरून। अभी जो है जेनेटिक संशोधित जो मच्छर छोड़े गए थे मलेरिया की रोकथाम के लिए कहाँ पे, जिबूती में, याद रखिएगा, ठीक है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है, लिथियम भंडार याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार बहुत फेमस है पूछा जाता है, लिथियम भंडार कहाँ, कैलिफोर्निया यूएसए। फरवरी 2024 में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम शहर घोषित किया गया है, सर्वाधिक ट्रैफिक जाम कहाँ होता है, लंदन। फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है, याद रखिएगा यूपीआई अभी तो पढ़े थे श्रीलंका और मॉरिशस, अब यूरोप में कहाँ से पहली बार किया गया है, एफिल टावर फ्रांस, याद रखेगा। श्रीलंका के क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है, आईएनएस करण। किनको सेवा मुक्त कर दिया गया था बताइए थोड़ा सा हमें, एक चीता थी, एक गुलदार थी, एक कुरंभी थी, एक करंभी थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15-19 जब ये कौन है करंज पहुंची है, स्वतंत्रता क्षेत्र स्वतंत्रता दिवस में भारत की कौन सी जो है पनडुब्बी पहुंची है, ठीक है, आइनस करण। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15-19 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 49वीं बैठक को केंद्रीय विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। फिर आइए अगला, 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पांचवा देश कौन बन गया है, जापान, ठीक है, चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर, और सीधे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान भी विश्व का कौन सा देश बन गया है, पांचवा, भारत कौन सा देश था, चौथा, ठीक है। फिर आइए 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी गेटवे टू द फायर, किन देशों ने जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स के, अभी अस्थायी परिषद सदस्य कौन बने थे, पाकिस्तान था, सोमालिया था, पनामा था, पनामा था, सॉरी पनामा था, पनामा था, ग्रीस था और डेनमार्क, क्लियर, ठीक थे। अब आइए ब्रिक्स में शामिल कौन से देश हैं, इनको भी थोड़ा देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, मिस्र है, फिर ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। देखो मुस्लिम कंट्रीज को पहले देख लें कौन कौन है, खासकर मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब है, तो अरब संयुक्त अरब अमीरात, और एक कौन बचा देश है आपका, इथियोपिया, याद तो करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं, ऐसे आ जाएगा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स में शामिल किया गया है, और सब नाम अनसर्ट दे देगा आपको, उसमें से जो पता होंगे पांच वाला वही कर पाएगा, कह देगा इनमें से कौन सा ब्रिक्स में शामिल नहीं, जल्दी बताइएगा, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, और ये इथियोपिया हो गया, इथियोपिया को अलग से दिमाग में रखिएगा, क्लियर। फिर आइए
जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा है, जो है आयोजित हुआ है युगांडा के कंपाला में। G7 का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में। जनमंच का आयोजन कहाँ हुआ था? विश्व जनमंच। और आगे आगामी वाला कहाँ होना है? सऊदी अरब। विश्व सामाजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? काठमांडू। विश्व जो है प्रजाति सम्मेलन, प्रवासी प्रजाति सम्मेलन कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। जो जोड़ नहीं पाओगे तो काम चलेगा नहीं, आपको बिल्कुल एकदम कंटिन्यू पढ़ना है। एक चीज बताए कि हम अभी खुश करने के लिए बहुत टॉप 5 करंट बना दे इस तरीके का, बहुत ज्यादा उससे कुछ होना नहीं कि इतना करंट है, पता नहीं कौन फ्री फायर पूछ लिया जाए, वहाँ फ्री फायर नहीं जानते हो कि क्या है, कोई सीधा सीधा क्वेश्चन ज्यादा भी पढ़ा होगा फ्री फायर क्या है, US द्वारा लॉन्च किया गया है, ड्रोनों के अध्ययन संबंधित है फ्री फायर, बात खत्म है। पूछ लिया गया ड्रोन दीवार किसके सम्मुख बनाई जा रही है, टिक मार दिया तुरंत रूस, पता ही नहीं है, वरना आप टॉप 5 पढ़े हो रूस वाली लाइन क्या होगा, छूटी गई है। तो कहने का मतलब जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न था उतना कम से कम देखिए, ठीक है। आइए अगला देखिए, ये देखिए, अब आइए अभी मान लिया कह दिया गया ब्रिक्स में हाल ही में कौन सा देश शामिल किया गया है, 5 है, कौन से? मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया है और कौन है? ईरान है। बस हो गया आपका। वो कह देगा 5 स्थायी सदस्य कौन है? पाकिस्तान है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और ग्रीस है। बस बात करोगे। कह देगा नाटो में 32वां सदस्य कौन शामिल हुआ? सीधे सीधे बता दोगे कौन है? स्वीडन है। कह देगा अभी 100वां जो सदस्य जो है सोलर एलियंस में शामिल हुआ कौन है? पराग्वे। तो बस सदस्य कौन से ग्रुप है उसको पता होना चाहिए। अभी जो है CSTO सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेतृत्व किसका होता है उसमें? रूस का। उसमें से किस देश ने अलग अपने कर लिया है? आर्मेनिया ने कर लिया है। सारा क्वेश्चन हो जाएगा, आप जो नहीं पढ़े वो दिक्कत हो जाएगी। फिर आइए युगांडा के कंपाला में कौन हो रहा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें थीम क्या है? डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना, एफ्लुएंस वगैरह आएगा इसी में है। हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? ब्लू रेजिडेंसी वाला वीजा जारी करने वाला कौन देश बना था? UAE। जो पर्यावरण रक्षा के लिए है उनके लिए जारी किया गया है कौन सा? ब्लू रेजिडेंस वीजा। किसी चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया में पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। परमाणु बैटरी का है बीटा बोल्ड। जो चीनी स्टार्टअप का मतलब होता है कुछ नया सोचो और नया सोच के कुछ शुरू करो, उसे कहते हैं क्या? स्टार्टअप। देखो स्टार्टअप ने क्या किया है, पहली परमाणु बैटरी बना दी, इसका नाम क्या है? बीटा बोल्ड। क्लियर? फिर आ जाइए आप भी कुछ स्टार्टअप सोचो, क्या है कुछ नया हो सकता है शहर में, ऐसा क्या है जो आने वाले 10 या 5 साल में देखने को मिलेगा, उसकी शुरुआत शायद तुमसे हो रही हो। जहां पे जो चीजें शुरू हुई हैं उसकी शुरुआत किसी न किसी ने की होगी, ओला चल रहा है किसी न किसी ने किया होगा, जो भी चीजें चल रही हैं आजकल है वो किसी न किसी ने, जो आपका अमेजोन चल रहा है वो भी एक सोचा होगा, एक सर्विस ऐसी है लोगों को सेवाएं मिल जाए। जब स्टार्टअप इसने किया होगा, स्टार्टअप इसे कहते हैं कोई नई चीज सोच के शुरू करना, तब आधे हंस रहे होंगे कैसे वहां पर जूता मोजा कोई मंगा रहा है केवल उसको देने जाओगे, वहां शर्ट उधर जाना है और लोग पता कनेक्ट होते गए, उस शहर से निकला राज्य में आया, राज्य से देश में आया, देश में आज पूरे वर्ल्ड में है। और शायद ही इससे कोई हो, लगभग सब लोग जो है ये शॉपिंग करते हैं, ये ऑनलाइन वाली शॉपिंग। क्लियर? चले तो स्टार्टअप ऐसे बीटा बैटरी बीटा बोल्ड नामक जो कंपनी है चीन की, उसने पहली परमाणु क्या बना दी? बैटरी। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा कैहान 2 और हच 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? याद रखिएगा महदा कैहान 2 और हच 1, महदा है, कैहान 2 है, हच 1 है, जैसे सफल 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है तो कौन लगाओगे? ईरान। जनवरी 2024 महदा, हच 1 और कैहान 2, ठीक है। और अभी आया था चांग E4 करके आया था चीन का, था चांग E6 था, चांगी करके नाम था, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखें। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। याद रखिए पश्चिमी अफ्रीका देश, अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, याद रखिए पहले बात इकोवास क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का क्या है? आर्थिक समुदाय, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी जुड़ा हुआ ग्रुप है, कौन है? इकोवास। उससे किन 3 देशों ने जो है सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को क्या कर दिया है, अलग कर लिया है? बुर्किना फासो है, माली है और नाइजर है। वहां जाए हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका
के आर्थिक समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने को अलग कर लिया है? उसको पता होगा बुर्किना फासो है, माली है, और कौन है पर नाइजर है। नाम पता होंगे तो उनको जान जाएंगे अब उनमें से कोई नाम होगा। फिर आर्थिक वाला देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी वन में सम्मानित किया है? याद रखिएगा मिनी रत्न में किसको शामिल किया गया? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में मिनी रत्न स्थित श्रेणी वन से सम्मानित किया है। मिनी रत्न श्रेणी वन में किसे सम्मानित किया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत की विदेशी ऋण कितना हो गया है? याद रखे कुछ सुना सकता है। भारत में विदेशी ऋण मार्च 2024 तक कितना हो गया? 663 बिलियन डॉलर। 663.8 मतलब 664 बिलियन डॉलर भारत पर क्या है? ऋण है। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। बड़े ध्यान दीजिएगा क्या है, मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBX जान जाना, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। कौन ऐसे आ जाएगा कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग वाला पहला बैंक बना है। जान जाओगे SBI लगा तो द्वारा HDFC लगाओगे। बुलियन बैंक में पहला बैंक कौन बना है भारत का? SBI। फिर IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। जो भारत के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला बुलियन एक्सचेंज कौन है? IIBX कहाँ लॉन्च किया गया 2022 में? गिफ्ट सिटी, गुजरात गिफ्ट सिटी। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? याद रखेगा विश्व बैंक लगा रही है 2025 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना? 6.6%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे आएगा, भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुई है? सीरियसली टिक मार देगा स्टूडेंट, सिंगापुर। भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार देश कौन है? व्यापारिक भागीदार देश चाइना है। भारत ने किस, भारत जो है कौन सी ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के मामले में दुनिया का दूसरा देश बन गया है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फिर आइए, वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है। मोबाइल वैलेट लाइसेंस किसको? जुपिटर। किसको प्रदान किया गया? जुपिटर। ठीक है जो, हाँ कहा सिंगापुर, फिर देखते हैं कहाँ पे भारत आई क्वेश्चन आ जाए, भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज कौन है? तो IIBX। क्लियर, फिर आते हैं हम लोग, हाँ जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 भारत की विकास दर कितने बताई गई थी? 6.6। जो FDI किस देश सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है? सिंगापुर। फिर आइए, वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया। क्वेश्चन आ गया, वह बैंकिंग स्टार्टअप जिसे RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है किसे? जुपिटर को। पूछना आ सकता है मोबाइल वैलेट लाइसेंस RBI द्वारा किसे प्रदान किया गया, किस स्टार्टअप कंपनी को? जुपिटर को। याद रखेगा मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया हरियाणा के हिसार में ज्योतिराज सिंधिया द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? सेबी। याद रखिएगा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर खिताब किसने जीता है? रस्टिक मार दोगे, सेबी। क्लियर, फिर आइए, मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई? याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? 3 करोड़, ठीक है। फिर आइए, वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में से 4 करोड़ मकानों का निर्माण क्या किया गया? अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, 2015 से कितने 10 वर्षों में कितने करोड़? 4.21 करोड़, मतलब 4 करोड़ लगभग 21 लाख। आप एक मकान में जिंदगी लगा देते हो, यदि 4 करोड़ मकान दिए जा रहे हैं, दिए जा चुके हैं, और क्या है अभी 3 करोड़ के लिए क्या हो गई है, और बात हो गई है, इंपॉर्टेंट है ये।
4 जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स प्रस्तुत किया, मोतीलाल। हाल ही में मर्सर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। स्टूडेंट्स के लिए सबसे किफायती शहर था दिल्ली। और जो है बिजनेसमैन जो मतलब जो है कह सकते हो प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है फिलीपींस ने। किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? थाईलैंड ने। क्लियर, याद रखिएगा थाईलैंड ने। आगे बढ़ रहे हम लोग। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण क्वेश्चन है किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को भी पार कर गया है? कौन है? SBI। जून 2024 में मोबाइल साथी 2.0 किस तरह, बहुत इंपॉर्टेंट, मोबाइल साथी 2.0 इसे डायरेक्ट आएगा किस द्वारा? सेबी के द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? कब तक? 2030 तक। ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? 2030 तक। यार क्या ई कॉमर्स बाजार कितना? $325 बिलियन 2030 तक। आई जो है कचरा मुक्त अंतरिक्ष मिशन भारत ने कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। और एक 27-28 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कौन सी योजना थी जो 27-28 तक बढ़ा दिया गया? बताइए, रिकॉल में जाइए, बताइएगा आप लोग। हाँ, 14 मई 2024 में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? याद रखेगा भारत कौन है? भारत माला परियोजना। याद रखेगा 27-28 है। हाँ ठीक है, याद रखे भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, याद रखेगा क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? याद रखेगा HDFC बैंक ने। याद रखते जाइएगा 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी को फोन पे ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च की है? भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI फुल फॉर्म, सुनिए इसका पूछा कई बार एग्जाम में गया है, UPI का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इंडिया ने लगा देना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस देश में UPI सुविधा लॉन्च की है श्रीलंका में। अभी आया था श्रीलंका मॉरिशस, तो जो है पेफोन ने किस देश में UPI लॉन्च किया है? श्रीलंका। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर आइए, अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में। विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ की मंजूरी प्रदान की है? 2.1 लाख करोड़ लाभांश के रूप में दिया। RBI ने। गेल लिमिटेड ने मई 2024 से अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया है? विजयपुर। याद रखिएगा गेल ने अपना हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है विजयपुर। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में राज्य ट्रांसमिशन जियोफेसियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पुरस्कार आ गया क्या? चले कोई बात नहीं, यहाँ से देख रहे हैं वो पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, बस लेकिन कवर उतने देर पेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर आइए, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन आएगा अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किसे, किस भारतीय या किस उत्तर प्रदेश की लड़की को किया गया है? आरती। ठीक है, रखेगा कौन सा पुरस्कार है? अमल कलोनी। कुछ याद रखेगा अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण।
हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया? सीधे आके फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से किसको सम्मान किया? सबाना आजमी को, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया है? सनफ्लावर फॉर द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर याद रखिए बस। तो क्या है मामला इनमें जो है, चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म सनफ्लावर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कांसला, ठीक, कांसला दिया गया है। चिदानंद नाइक की जो है शॉर्ट फिल्म कौन है? सनफ्लावर। फिर आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड सम्मानित किया गया है? याद रखेगा REC लिमिटेड, आप कोई नहीं याद रखना दिमाग करके, सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड। आपके पुरस्कार बहुत पूछे जाते हैं तो याद रखेगा ये पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। अब आप सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? REC, किसे सम्मानित किया गया? REC। फिर आ जाइए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत व भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 यूनियन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। याद रखेगा कुछ आ सकता है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत व भारतीय शांति रक्षक जिन्हें 2024 में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, सीधे याद रखें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द, अरे एडवोकेट ऑफ द ईयर कहां से? यूएन मिलिट्री जेंडर, क्या यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? मेजर राधिका सेन, याद रखेगा मेजर राधिका सेन को। फिर स्वास्थ्य से जुड़े व प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो याद रखेगा नीम हंस, ठीक है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, नीम हंस याद रखिएगा। फिर आइए 22-23-2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक यालको से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द ट्रक, अरे वो बंद थोड़ा कर दो, ऑर्डर ऑफ द ट्रक यालको सम्मान किसे किया गया है? भूटान, क्लियर, ये पूछना सकता है ऑर्डर ऑफ द ट्रक यालको, ऑर्डर ऑफ द ट्रक, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से क्या सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? भूटान का, क्लियर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंद्रयान 3 मिशन टीम को, देख लीजिएगा ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में, जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर, देखो पुरस्कार बड़े कठिन होते नाम, जानकारी होनी चाहिए। मान लो ग्याल्पो पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाए ग्याल्पो पुरस्कार कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? अब जानते हो वहां पर नेपाल लगा दोगे, नहीं पढ़ोगे, बस इतना ही है। अब जेल जैक है, जैक जैसा कोई पुरस्कार आ जाए, किसको दिया है? चंद्रयान 3 मिशन टीम को, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27-31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के विश्व 20 फोरम हाई लेवल इन्वेस्ट 2024 में भारत के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलेपन के लिए, आप कोई दिमाग में, C-DOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी जो है, ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी के लिए प्रदान किया गया है।
पहली बात कौन सा है, सी डॉट को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार मिला है, सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के लिए। फिर आइए, वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स द्वारा किसकी उपाधि प्रदान की गई, नाइट की, तो कौन है, सुनील भारती मित्तल है, याद रखिएगा, नाइट की उपाधि आप पढ़े हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेल रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किया गया, पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेल रोलैंड पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो बंगाली अनुवाद क्या है, स्टालिनर दीवार, ठीक है। फिर आइए, वर्ष 2024 का 23वां ज्ञान, ये देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है, ठीक है, ये क्या है, 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं और कौन है, गीतकार गुलजार हैं, देखो ये दिमाग में रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, नंबर भी याद रखिएगा 58वां 58, कौन है, राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य और दूसरा कौन है, गुलजार, गीतकार गुलजार। फरवरी 2024 अब देखो एकदम आ गया सनाका, वहां पे तुम नहीं जानते हो, वहां आया ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अब एक गीतकार गुलजार लिखा है, एक जगत गुरु राम भद्राचार्य लिखा है, दोनों सही है। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है, दुबई में पहली बार आयोजित हुई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, कहां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित हुई, दुबई में, उसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट टेक या गवर्नमेंट टेक प्राइज किसे दिया गया है, भारत को। फिर आइए, ये बहुत पूछा जाता है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन है, राकेश चौरसिया है, ठीक है, और बेला फेक है, ठीक है, और कौन है, जाकिर हुसैन है, एडगर मेयर है, तो राकेश है, बेला है, जाकिर है और एडगर है, ठीक है, राकेश है, बेला है, जाकिर है, एडगर है, इन्हें क्या मिला है, 66वां ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट संगीत किसके लिए, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में मिला है, यार के ग्रैमी पुरस्कार पूछा रखता है, 66वां ग्रैमी पुरस्कार बेस्ट म्यूजिक के लिए किस भारतीय को दिया गया है, मालिक है, राकेश है, एडगर है, जाकिर है और आपकी कौन है, यहाँ पे लिखे बेला, ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त क्या है, सही। फिर आइए, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, जो पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल याद रखिएगा, पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, ये कौन सा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कब पहली बार मनाई थी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 23 जनवरी, ठीक, उसे पराक्रम दिवस मनाने का क्या किया था, घोषित किया गया था, पराक्रम दिवस कब मनाया था, 23 जनवरी, कब जन्म हुआ था, 23 जनवरी 1897 को, कहां हुआ था इनका जन्म, कटक में, क्लियर, सुभाष चंद्र बोस का। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है, संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को, अरे ये याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय की कौन सी है, भारत लोकतंत्र की जननी, भारत लोकतंत्र की जननी वाली थीम को मिला था क्या पुरस्कार, गणतंत्र दिवस, क्लियर, तो याद रखिएगा, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल की झांकी को मिला था, संस्कृति मंत्रालय की कौन सी है झांकी, भारत लोकतंत्र की जननी, याद रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आइए अगला देखो, ग्रैमी पुरस्कार कौन कौन लोग हैं, राकेश है, बेला है, जाकिर है, एडगर है। फिर आइए, जो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये पैरासूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, क्लियर। फिर जो आपका यहाँ पे आया था गवर्नमेंट टेक पुरस्कार, जो अभी गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी दुबई में, किसको मिला, भारत को। और सबसे इम्पोर्टेंट है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य और गुलजार, गीतकार गुलजार को, क्लियर। फिर आइए, खेल के बारे में देखते हैं, जून 2024 को बारबाडोस में खेले गए 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित करके दूसरी बार जीता है, वहां यही ना भूलना, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला, विश्व टेबल टेनिस पहली बार कहां हो रहा था, ध्यान रखिएगा, कहां पे होगा, बारबाडोस, किस देश का हिस्सा बारबाडोस, कहां पर पड़ता है, कैरेबियन सागर, कहां पड़ता है, कैरेबियन सागर, जो कि किसका हिस्सा है, अटलांटिक महासागर।
फिर आए विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है श्रीजा अकुला। मैंने ऑप्शन में इनका नाम रखा था श्रीजा अकुला का। ये पूछा था क्या नौसेना में पहली भारतीय महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजे। उनकी एक जगह ऑप्शन में ये भी रखा था श्रीजा अकुला। ये क्या है? विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, या पूछ सकता है विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है कौन? श्रीजा अकुला। फिर आई पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को, या महेंद्र धोनी को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ये कार है सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। क्लियर। जून 2024 में थ्री स्टार ग्रांड प्रिक स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है, याद रखिए, श्रुति बोरा। ये भी मैंने ऑप्शन रखा था उसमें, इससे सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे। क्या थ्री स्टार ग्रांड प्रिक स्पर्धा जीतने वाली, याद रखिए, थ्री स्टार ग्रांड प्रिक स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? घुड़सवार बनी है। थ्री स्टार ग्रांड प्रिक स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार महिला कौन है? श्रुति बोरा। और वो कौन था? श्रीजा अकुला, विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला श्रीजा अकुला, और जो है थ्री स्टार ग्रांड प्रिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार बनी है श्रुति बोरा। ठीक है, फिर आइए 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? ठीक है, याद रखिएगा FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किसे मिली है? भारत को। वह क्रिकेटर खिलाड़ी से हाल में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? विराट कोहली। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वोल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिमनास्ट बनी है कौन? दीपा कर्माकर। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिमनास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वोल्ट स्पर्धा में 26 मई को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बनी जिमनास्ट बनी है कौन? दीपा कर्माकर। कहां पर? एशियाई सीनियर जिमनास्टिक चैंपियनशिप, याद रखिएगा, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दीपा कर्माकर। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स। याद रखिएगा, किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स। फिर आ जाइए मई 2024 में कौन भारत का 50वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? पी श्याम निखिल। 50वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है कौन? विराज निखिल। फिर अगला ये जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर बने हैं? रोहित शर्मा। वो ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली थे, और सर्वाधिक छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड किसी का नाम आ गया? रोहित शर्मा। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कॉन्फ्रेंस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई? याद रखिए, सीधे सीधे बात, 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 किसको सौंपी गई है? 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 में होगा, किसको मेजबानी मिली है? ब्राजील। पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरस्कार पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, हो गया क्यों? ये क्यों है? पाकिस्तान के क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 हुआ था, उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ये ऑप्शन जाएगा नहीं, टिक लगाओगे तो शायद अफरीदी को तुम समझोगे नहीं, यहाँ पे टिक होगा कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्या बना दिया जाएगा? ब्रांड एम्बेसडर। फिर वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अधिकाधिक रूप से संन्यास की घोषणा कर दी है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से घोषणा किसने कर दी है? दिनेश कार्तिक ने। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर, बनी है जम्मू कश्मीर की। देखिए, पहली बात, ये जुलाई से अगस्त तक 2024 में
ओलंपिक कहाँ हो रहा है, कौन से नंबर का ओलंपिक है, 30वां नंबर का है। उसके ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बिल्किस बिलकिस, याद रखे क्वेश्चन आ सकता है। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है, फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप आयोजक के रूप में किसे चुना है, जो देखिए ध्यान देगा अप्रैल 2024 में फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, आरामको सऊदी अरब की तेल कंपनी, किसे चुना है, ठीक है, प्रायोजक के रूप में किसे चुना है, आरामको कहाँ होगा नहीं, प्रायोजक में किसको चुना है, आरामको कंपनी किसकी है, सऊदी अरब की तेल कंपनी। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बॉब जोन्स पुरस्कार सम्मानित से किया गया टाइगर वुड्स को। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया, याद रखेगा ये पूछ सकता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 27वां जो 10वां फीफा महिला विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, कहाँ पे था, ब्राजील में। और ये क्या है यहाँ पे 2027 को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगा, बीजिंग में। और 33वां ओलंपिक कहाँ हो रहा है, ये ज्यूरी में कौन भारतीय पहली महिला शामिल हो रही है ओलंपिक ज्यूरी में, बिल्किस मीर, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। इधर आई अप्रैल 2024 में किस भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है, नरसिंह यादव को, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया, भारतीय कुश्ती महासंघ के नरसिंह यादव, याद रखेगा। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जिसे T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, युवराज सिंह। अभी शाहिद अफरीदी का भी नाम आया था पुरुष विश्व कप 2024। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तमाकू निषेध दिवस के अवसर, पहली बार विश्व कप जो विश्व तमाकू निषेध दिवस कब मनाया था, 31 मई कई बार इंडिया है, के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, पीवी सिंधु। तंबाकू निषेध के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, पीवी सिंधु। अगर बेटर जो है फूड उसकी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बनी थी, पीवी सिंधु थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंच चुना है, मोहम्मद वसीम को, ठीक है। ICC ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंच चुना है, ICC प्लेयर ऑफ द मंच चुना है किसे, मोहम्मद वसीम को, UAE के हैं। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने जून 2024 को कोलकाता के कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लिया है, पूछना जाए हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेका कॉर्न का दर्जा हासिल किया है, इससे संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है, इसने जो है डेका ग्राउंड का जो दर्जा प्राप्त कर लिया है इंडियन प्रीमियर लीग। फिर फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, पहली बार ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहां हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे भी पूछ सकता है ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां किया गया, दक्षिण अफ्रीका। आप रटे बैठे हो कि विश्व कप पूछा जाएगा, बारबाडोस वेस्ट इंडीज लगाएंगे, वहां पूछ रहा है अंडर 19, वो कहां, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता, भारत को फाइनल में किसने पराजित कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभारंभ कहां हुआ है, वीरा मंगाई वेलुनाचिया, ठीक। 6वें खेलो इंडिया का शुभारंभ कहां हुआ, वीरा मंगाई वेलुनाचिया, ये आप बताइएगा, शुभंकर था, कहां नहीं, 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर था वीरा मंगाई, याद रखेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर वीरा मंगाई। 15 जून 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी के अवार्ड से जाना गया है, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी जो है कौन रहता है, कौन रहता है, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, लियोन मेसी, कहां से हैं, अर्जेंटीना। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग को की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है, टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर ली है 5 वर्षों के लिए IPL की, टाटा समूह ने। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड्स 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार सम्मानित किया गया, टेनिस खिलाड़ी नोवान जोकोविच, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है, नोवान जोकोविच। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 23 से 27 तक FIH आयोजन का कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया है, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने 4 वर्ष का मीडिया अधिकार किसको दे दिया है, वायकॉम 18 को। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिसका आयोजन 28 फरवरी से 29 मार्च 2024 तक चीन में किया जाएगा, 25 तक कहाँ किया जाएगा, चीन में किया जाएगा, के शुभंकर का अनावरण है 24 में किया गया,
जो है कि शुभंकर का रावण जनवरी 2024 में किया गया नाम है बिन बिन और नीनी, बिन बिन और नीनी, बिन बिन और नीनी क्या दो साइबेरियाई बाघ सावक हेलो गंजियाम, ठीक है। आप याद रखिएगा जो नवा एशियाई शीतकालीन खेल पहली बार कहाँ आयोजित किया जाएगा, नवा एशियाई या नवा शीतकालीन एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, चीन में होगा, ठीक है। उसका शुभंकर 24 में लॉन्च हुआ है, कौन है, बिनबिन और चीनी नीनी, बिनबिन और नीनी नीनी, बिनबिन और नीनी नीनी। जनवरी 2024 में किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय या किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई से प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसका बहुत पूछा सकता है, कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट, कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसको मिला रवि शास्त्री। अब आपका लगभग हम लोगों ने क्या किया है, लगभग का जितना भी मेन मेन पॉइंट था वो हम लोगों ने क्या कर दिया है, कवर किया है। अब जो है इसके बाद चलेगा आपका यूपी का करंट अफेयर, लेकिन 5 से 10 मिनट का क्या होगा, उसे ब्रेक होगा, यूपी करंट अफेयर आप खत्म करोगे तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपको लगता है कि ये चीजें हम जल्दी जल्दी करते गए शायद नहीं याद नहीं हो, लेकिन आप लोग इसको वीडियो को दोबारा आराम से देखिएगा, और जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं होने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आप पढ़े ही नहीं होंगे, जान ही नहीं पा रहे ये जान गए कौन है, शुभंकर है, किसका, शीतकालीन एशियाई खेलों का आ जाएगा, शीतकालीन एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा लगा रहे हो, भारत हो रहा है कहाँ 25 में, अभी जो हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, भारत किससे हार गया, ऑस्ट्रेलिया से, वही जो बारबाडोस में हुआ था जो वर्ल्ड कप, उसमें भारत ने किसको हरा दिया, दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व में नाम किया, सबसे छक्के मारने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा, आईसीसी जो है ओडीआई बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, कोहली को चुना गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार दिमाग में देखें, अभी तंबाकू निषेध का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, पीवी सिंधु, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये आप तभी दिमाग में रख पाओगे जब एक बार क्या होगे पढ़े होगे। अब जब लास्ट में रक्षाबंधन के समय करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो उसमें जितना इधर से पढ़े होगे सब उसमें रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एक बार, लेकिन ये पढ़ा होना चाहिए, वरना आप यही नहीं जान पाए, कंफ्यूज होता होगा जब पता होगा ना कि ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हुए, एक बार देख के तो आपको सामने हो गए तभी जानोगे इराक था कि ईरान था, वरना दूर दूर तक पता ही नहीं कौन था, क्लियर। तो अब इतना रहता है, अब इसके जस्ट बाद अगला टारगेट क्या रहेगा, यूपी की जो करंट अफेयर है जितना यूपी में 6 महीने पिछले घटित हुआ है वो सारा एक ही बार में हम लोग वन टाइम क्लास कंटिन्यू उस प्रोग्राम के तहत क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। 10 से 15 मिनट का ब्रेक है, उसमें पानी पी लीजिएगा। आज टास्क है करंट अफेयर का, क्लियर। अब टास्क रहेगा ज्योग्राफी का, टास्क रहेगा साइंस का, टास्क रहेगा इकोनॉमी का, इन 3-4 सब्जेक्ट का रहेगा, आपकी जीएस भी एक हिसाब से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, क्लियर। और चाहे वनडे एग्जाम पेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसआई, चाहे और भी एग्जाम, जीएस का अपना रोल होगा, जाना रहेगा, कम समय में ज्यादा क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। जो इतने थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, फिर अगली क्लास स्टार्ट होगी।